021 पीटर थील हिंदी ऑडियो बुक डॉट कॉम। प्रस्तावना। व्यवसाय में हर मौका केवल एक बार आता है। अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगला लैरी पेज या सर्गेई ब्रिन एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। और अगला मार्क जुकरबर्ग एक सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा। यदि आप इन लोगों की कॉपी बना रहे हैं तो आप उनसे सीख नहीं रहे हैं। बेशक कुछ नया बनाने के बजाय किसी भी मॉडल में थोड़ा फेर बदल कर नकल बनाना आसान है। ऐसा करना दुनिया को एक से एन तक ले जाना है, लेकिन हर बार जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम जीरो से एक तक जाते हैं। हर बार कुछ नया बनाने के कार्य के परिणाम बहुत ही अलग और अजीब होते हैं। जब तक कंपनियां नई चीजों को बनाने के कठिन कार्य में निवेश नहीं करती है, तब तक वे भविष्य में असफल ही रहेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मुनाफे आज कितने बड़े हैं। हमें जो विरासत में मिला है वह व्यवसाय की पुरानी तकनीकों को ठीक से प्रयोग करने से मिला है, लेकिन यह अब जितना आसान लगता है वह उतना ही असंभव है। यह स्थिति 2008 के संकट से कहीं ज्यादा बदतर दिखाई देती है। आजकल की सर्वोत्तम मान्यताओं के कारण नए रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। विशाल प्रशासनिक नौकरशाहों की दुनिया में सार्वजनिक और निजी दोनों ही एक नए रास्ते की तलाश में एक चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि अमेरिकी व्यवसाय सफल होने जा रहा है तो हमें असल में सैकड़ों नहीं हजारों चमत्कारों की आवश्यकता होगी। यह एक महत्वपूर्ण तथा निराशाजनक तथ्य है कि मनुष्य अन्य जातियों से ज्यादा चमत्कारों के काम करने की क्षमता बढ़ाने की तकनीक को खोजता रहता है। प्रौद्योगिकी चमत्कारी है क्योंकि यह हमें हमारी मौलिक क्षमताओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए कम से कम करने की अनुमति देती है। अन्य जानवरों को सहज रूप से बांधों या हनीकॉम जैसी चीजों को बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन हम केवल वे हैं जो नई चीजों का आविष्कार कर सकते हैं और उन्हें बनाने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं। मनुष्य तय नहीं करते हैं कि पहले से दिए गए विकल्पों की कुछ ब्रह्मांडीय सूची से विकल्प बनाकर क्या बनाना है। इसके बजाय नई टेक्नोलॉजी बनाकर हम दुनिया की योजना को फिर से लिखते हैं। ये प्राथमिक सत्य है जो हम दूसरे ग्रेडर को सिखाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी दुनिया में भूलना आसान है जहां हम जो भी करते हैं वह दोहराया जाता है जो पहले किया गया है। 071 नई कंपनियों को बनाने वाली कंपनियों को बनाने के बारे में है। यह पेपाल के सह संस्थापक और फिर फेसबुक सैकड़ों स्टार्टअप में निवेशक के रूप में सीखा है, लेकिन जब मैंने कई पैटर्न देखे और उन्हें यहां से जोड़ता हूं तो यह पुस्तक सफलता के लिए कोई सूत्र नहीं देती है। शिक्षण उद्यमियता का विरोधाभास यह है कि ऐसा सूत्र आवश्यक रूप से अस्तित्व में ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक नवाचार नया और अनूठा है। दरअसल मैंने देखा है कि एकमात्र सबसे शक्तिशाली पैटर्न यह है कि सफल लोगों को अप्रत्याशित स्थानों में मूल्य मिलता है और वे सूत्रों के बजाय पहले सिद्धांतों से व्यवसाय के बारे में सोचकर ऐसा करते हैं। यह पुस्तक स्टार्टअप के बारे में एक कोर्स से उत्पन्न होती है जिसे मैंने 2012 में स्टैनफोर्ड में पढ़ाया था। कॉलेज के कुछ छात्र विशेषताओं में बेहद कुशल बन सकते हैं, लेकिन कई लोग कभी नहीं सीखते कि व्यापक दुनिया में उन कौशल के साथ क्या करना है। कक्षा को पढ़ाने में मेरा प्राथमिक लक्ष्य था कि मेरे छात्रों को अकादमिक विशेषताओं द्वारा बनाए गए ट्रैकों से परे व्यापक भविष्य में देखने के लिए मदद करें। उन छात्रों में से एक ब्लैक मास्टर ने विस्तृत कक्षा नोट्स ले लिए जो कैंपस से बहुत दूर फैले हुए थे, और 021 में मैंने व्यापक दर्शकों के लिए नोट्स संशोधित करने के लिए उनके साथ काम किया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भविष्य केवल स्टैनफोर्ड या कॉलेज में
या सिलिकॉन वैली में ही है। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय एक की ओर, जो है भविष्य की चुनौती। 0-1 hindiaudiobook.com अध्याय एक, भविष्य की चुनौती। जब भी मैं किसी नौकरी के लिए किसी का साक्षात्कार लेता हूं, तो मैं इस सवाल से शुरू करता हूं, क्या आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण सत्य जानते हैं जिससे बहुत कम लोग सहमत हों? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, क्योंकि यह सीधा है। असल में इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। यह बौद्धिक रूप से कठिन है, क्योंकि स्कूल में हर किसी को जो ज्ञान सिखाया जाता है वह परिभाषा पर निर्भर करता है। और यह वैज्ञानिक रूप से भी कठिन है, क्योंकि उत्तर देने का प्रयास करने वाला कुछ ऐसा कहेगा जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है जिसे वो जानता है। हम जानते हैं कि शानदार सोच दुर्लभ है, लेकिन यह भी तो सच है कि साहस प्रतिभा की तुलना में कम नहीं होना चाहिए। आमतौर पर मैं इस तरह के उत्तर सुनता हूं, हमारी शैक्षणिक प्रणाली टूट गई है और तत्काल इसे ठीक करने की जरूरत है, या अमेरिका असाधारण है, या कोई भगवान नहीं है, आदि आदि। ये बुरे जवाब हैं। पहला और दूसरा कथन सत्य हो सकता है, लेकिन कई लोग पहले से ही उनके साथ सहमत हैं। तीसरा उत्तर बस एक परिचित बहस को एक तरफ ले जाता है। एक अच्छा जवाब निम्नलिखित जैसा हो सकता है, अधिकांश लोग इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। मैं इस अध्याय के बाद में अपना उत्तर दूंगा। इस विरोधाभासी प्रश्न का भविष्य के साथ क्या संबंध है? सबसे कम शब्दों में इसका अर्थ यह है कि भविष्य बस आने वाले सभी क्षणों का एक सेट मात्र है, लेकिन भविष्य को विशिष्ट और महत्वपूर्ण वह बनाता है जो कि अभी तक घटित नहीं हुआ है, बल्कि यह एक ऐसा समय होगा जब दुनिया आज से अलग दिखाई देगी। इसका मतलब है कि अगर हमारे समाज में अगले 100 वर्षों तक कुछ भी नहीं बदलता है, तो भविष्य 100 साल से अधिक दूर है। अगर अगले दशक में चीजें मूल रूप से बदलती हैं, तो भविष्य लगभग हाथ में है। कोई भी भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हम दो चीजें जानते हैं कि कुछ अलग होने जा रहा है, और यह आज की दुनिया का मूल है। विरोधाभासी प्रश्न के अधिकांश जवाब वर्तमान को देखने के विभिन्न तरीके हैं। अच्छे जवाब निकट हैं, क्योंकि हम भविष्य देखने वाले हैं। 0-1 प्रगति का भविष्य। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम प्रगति की उम्मीद करते हैं। वह प्रगति दो रूपों में होती है, क्षितिज या होरिजेंटल प्रगति। या व्यापक प्रगति का अर्थ उन चीजों की नकल बनाना है जो 1 से n तक काम करते हैं। होरिजेंटल प्रगति की कल्पना करना आसान है, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि यह कैसा दिखता है। लंबवत या वर्टिकल प्रगति या गहन प्रगति का अर्थ है नई चीजें करना, जिसे 0 से 1 तक जाना कहते हैं। लंबवत प्रगति की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि इसे किसी और चीज की आवश्यकता होती है। यदि आप एक टाइपराइटर लेते हैं और वैसे ही 100 टाइपराइटर बनाते हैं, तो आपने क्षितिज यानी होरिजेंटल प्रगति की है। यदि आपके पास टाइपराइटर है और आप वर्ड प्रोसेसर बनाते हैं, तो आपने लंबवत यानी वर्टिकल प्रगति की है। छोटे स्तर पर क्षितिज प्रगति के लिए एक शब्द है वैश्वीकरण। इसके अंतर्गत चीजें एक जगह बनती है और वे हर जगह काम करती है। चीन वैश्वीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी 20 साल की योजना आज के अमेरिका की तरह बनना है। चीनी हर उस सामान या सेवा की नकल बना रहा है जो विकसित दुनिया में पहले से मौजूद है।
19वीं सदी के रेल मार्ग, 20वीं सदी के एयर कंडीशनिंग और यहां तक कि पूरे शहर भी। वे चीजों को बनाने की प्रोसेस के कुछ स्टेप ही छोड़ते या बदलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वे सीधे लैंडलाइन स्थापित किए बिना वायरलेस पर जा रहे हैं। आखिर में वे सभी की नकल ही तो बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी वर्टिकल प्रगति 0 से 1 का बेहतरीन उदाहरण है। हाल के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति ने सिलिकॉन वैली को सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी की राजधानी बना दिया है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए तकनीक सीमित होने का कोई कारण नहीं है। उचित रूप से समझने के लिए चीजों को बनाने का कोई भी नया और बेहतरीन तरीका तकनीक ही है। चूंकि वैश्वीकरण और तकनीक प्रगति के दो भिन्न तरीके हैं, इसलिए दोनों एक ही समय में या तो हैं या नहीं है। उदाहरण के लिए, वैश्वीकरण और तकनीक ने सन 1815 से 1914 तक तेजी से विकास किया। पहले विश्व युद्ध और किसिंजर की यात्रा के बीच 1971 में चीन के साथ संबंधों को फिर से खोलने के प्रयास हुए। उस समय चीन में तेजी से तकनीकी विकास तो हो रहा था, लेकिन वैश्वीकरण अभी नए के समान ही था। 1971 के बाद हमने सीमित तकनीकी विकास के साथ तेजी से वैश्वीकरण देखा है, जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक ही सीमित है। वैश्वीकरण के इस युग में हमारे लिए कल्पना करना आसान है कि आने वाले दशकों में अधिक एकरूपता और समानता आएगी। यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की भाषा भी बताती है कि हम एक प्रकार से तकनीकी इतिहास के अंत में विश्वास करते हैं। दुनिया के विभाजन से हमारा तात्पर्य है कि तथाकथित विकसित और विकासशील देशों में बंटवारा। विकसित दुनिया के देश पहले से ही प्राप्त करने योग्य चीजों को प्राप्त कर चुके हैं और गरीब देश इन चीजों को पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। विरोधाभासी प्रश्न का मेरा जवाब यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का भविष्य वैश्वीकरण द्वारा परिभाषित किया जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रौद्योगिकी अधिक मायने रखती है। तकनीकी परिवर्तन के बिना यदि चीन अगले 2 दशकों में अपने ऊर्जा उत्पादन को दुगना कर देता है, तो यह इसके वायु प्रदूषण को भी दुगना कर देगा। यदि भारत के लाखों परिवार अमेरिकियों की दिनचर्या अपनाएगा और केवल अपने आप को पाश्चात्य जीवन शैली से परिपूर्ण करने में लगा रहा, तो परिणाम उनके व पर्यावरण के लिए विनाशकारी होंगे। दुनिया भर में धन बनाने के पुराने तरीकों को अपनाने से धन नहीं केवल विनाश ही उत्पन्न होगा। दुर्लभ संसाधनों की दुनिया में नई तकनीक के बिना वैश्वीकरण अस्थायी है। नई तकनीक कभी भी इतिहास की एक स्वचालित विशेषता नहीं रही है। हमारे पूर्वज स्थिर व न्यून समाज में रहते थे, जहां सफलता केवल दूसरों की चीजों को जब्त करना माना जाता था। उन्होंने धन कमाने के केवल कुछ ही नाम मात्र के नए विकल्प बनाए और लंबे समय तक वे उपाय एक औसत व्यक्ति को कठिन जीवन से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। फिर लगभग 10,000 वर्षों बाद प्राचीन युग में कृषि, पवन चक्की, मिट्टी के बर्तन और 16वीं शताब्दी में एस्ट्रोलैब्स और फिर अचानक आधुनिक दुनिया ने 1760 के दशक में भाप इंजन के आगमन से लगभग 1970 तक निरंतर तकनीकी प्रगति की। परिणाम स्वरूप हमारी किसी भी पिछली पीढ़ी की कल्पना के मुकाबले हमें एक अमीर समाज विरासत में मिला है। हमारे माता पिता और दादा दादी को छोड़कर कोई भी पीढ़ी 1960 के दशक के अंत में जो सोचते थे कि यह प्रगति इसी तरह निरंतर चलती रहेगी, वह उन्होंने उम्मीद की थी कि वे घर के लिए बहुत सस्ती बिजली का उपयोग करेंगे और एक 4 दिवसीय टूर बनाकर चंद्रमा पर छुट्टियां मनाएंगे, पर वह नहीं हुआ। हमारे स्मार्टफोन हमें इस तथ्य से भी विचलित करते हैं कि हमारे आसपास का परिवेश अजीब तरह से पुराना है। केवल कंप्यूटर और संचार के माध्यमों में नाटकीय रूप से सुधार हुए हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे माता पिता एक बेहतरीन भविष्य की कल्पना करने में गलत थे, बस वे तो केवल कुछ स्वचालित होने की उम्मीद कर रहे थे। आज हमारी चुनौती नई टेक्नोलॉजी की कल्पना और निर्माण करना दोनों है, जो 20वीं शताब्दी की तुलना में 21वीं शताब्दी को अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध बना सकते हैं। स्टार्टअप सोच। नई तकनीक नए उद्यमियों से शुरू होती है, जिसे स्टार्टअप कहते हैं। राजनीति में संस्थापक पिता से विज्ञान तक, रॉयल सोसाइटी से चेयरफील्ड सेमीकंडक्टर के व्यापार तक मिशन की भावना से जुटे लोगों के छोटे समूह ने दुनिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम किया और दुनिया को बेहतर बना दिया। इसके लिए सबसे आसान स्पष्टीकरण नकारात्मक है। बड़े संगठनों में नई चीजों को विकसित करना मुश्किल है और इसे अपने आप करना भी मुश्किल है। नौकरशाही पदानुक्रम धीरे धीरे बढ़ते हैं और लाभों को हानि से दूर रखते हैं। दूसरी तरफ एक अकेला प्रतिभावान इंसान कला या साहित्य के क्षेत्र को तो बढ़ा सकता है, लेकिन वह कभी भी पूरे उद्योग को नहीं बना सकता है। स्टार्टअप इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि आपको सामान प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको भी इतना छोटा रहने की आवश्यकता है ताकि आप वास्तव में वह काम कर सकें। सकारात्मक रूप से परिभाषित स्टार्टअप उन लोगों का सबसे बड़ा समूह है जिन्हें आप एक अलग भविष्य के निर्माण की योजना के बारे में समझ सकते हैं। एक नई कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण ताकत नई सोच है, जो अपने सहचरों को सोचने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह पुस्तक उन प्रश्नों के बारे में है जिनके आपको उत्तर जानना चाहिए कि नई चीजों की खोज में सफल कैसे हुआ जाए। ज्ञान का कोई मैनुअल या रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि सोचने का ही अभ्यास है, क्योंकि स्टार्टअप को यही करना है। प्रश्नों से प्राप्त विचारों के माध्यम से व्यवसाय पर पुनर्विचार करना व उसमें आवश्यक बदलाव लाकर दुनिया के जीवन स्तर में बदलाव लाना। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 2 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 2। साल 1999 की तरह उत्सव मनाएं। hindiaudiobook.com। यक्ष प्रश्न। वह कौन सा महत्वपूर्ण सत्य है जिससे कुछ लोग सहमत हैं? इस प्रश्न का सीधा उत्तर दे पाना मुश्किल है। सीधे उत्तर दें। शुरुआत से शुरू करना आसान हो सकता है। क्या सभी इस पर सहमत हैं? व्यक्तियों में काम के प्रति पागलपन दुर्लभ है, लेकिन समूहों, पार्टियों व राष्ट्रों में यह नियम की तरह काम करता है। नीत्से ने पागल होने से पहले लिखा था कि यदि आप एक भ्रमपूर्ण लोकप्रिय धारणा की पहचान कर सकते हैं तो आप इसके पीछे छिपी हुई चीजों को पा सकते हैं। यह एक विरोधाभासी सत्य है। एक प्रारंभिक सत्य पर विचार करें। कंपनियां पैसे कमाने के लिए बनी है, इसे खोने के लिए नहीं। यह सोच स्पष्ट रखनी चाहिए, लेकिन 1990 के उत्तरार्ध में कई लोगों के लिए यह इतनी स्पष्ट नहीं थी, जब तक कि किसी का भी उज्जवल भविष्य के लिए किया गया निवेश पूरी तरह डूब नहीं गया। नई अर्थव्यवस्था के पारंपरिक ज्ञान का आधिकारिक स्वीकार्य मत है कि छोटे छोटे लाभ पैदल सैनिकों की तरह लाभदायक होते हैं। परंपरागत मान्यताएं हैं कि केवल हमें नुकसान के समय ही बीती बातों की जांच करने की याद आती है। जब भी कोई बड़ा नुकसान होता है तो बस यह एक बुलबुले की भांति ही होता है, लेकिन जब ये बुलबुले दिखाई देने लगे तब हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। 1929 के बाद 90 के दशक का इंटरनेट बूम सबसे बड़ा बुलबुला था। इसने टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सभी स्थापित विश्वासों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। स्पष्ट रूप से सोचने का पहला कदम यह है कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। 90 के दशक का संक्षिप्त इतिहास। 1990 के दशक की
एक अच्छी छवि है। हम इसे एक समृद्ध आशावादी दशक के रूप में याद करते हैं जो इंटरनेट बूम के साथ समाप्त हुआ, लेकिन कई वर्षों तक यह हमारे अवसाद का कारण बना रहा। 18 महीने के डॉटकॉम सदमे के कारण हम एक दशक तक वैश्विक संदर्भ से दूर ही रहे थे। नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार हटने के साथ 90 के दशक की शुरुआत उल्लास के साथ हुई। यह अल्पकालीन था। 1990 के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी का दौर था। तकनीकी रूप से मंदी मार्च 1919 में समाप्त हुई, लेकिन इसकी गति धीमी थी और जुलाई 1929 तक बेरोजगारी बढ़ती रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ था। सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव लंबा और दर्दनाक था। 1992 से 1994 के अंत तक बहुत ही उदासीनता का समय था। इन दिनों केबल टीवी पर मात्र सोमालिया में मृत अमेरिकी सैनिकों के समाचार ही प्रसारित होते रहते थे। वैश्वीकरण और अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंता और ज्यादा तब होने लगी जब रोजगार का बहाव मेक्सिको की तरफ तेज हो गया। इस निराशावादी माहौल ने तत्कालीन राष्ट्रपति बुश को कार्यालय से बाहर कर दिया और रॉस पेरोट की 1992 में लगभग 20% अधिक वोटों से लोकप्रिय जीत हुई। साल 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट के बाद यह तृतीय पक्ष के उम्मीदवार के लिए सबसे अच्छी जीत रही। लेकिन इस जीत के बाद जो निर्वाण जैसे बैंड, तेज संगीत और हीरोइन आदि की ओर सांस्कृतिक आकर्षण से भी आशा या आत्मविश्वास प्रतिबिंबित नहीं होता था। सिलिकॉन वैली भी सुस्त महसूस कर रही थी। जापान सेमीकंडक्टर युद्ध जीत रहा था। यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर न होने की वजह से इंटरनेट अभी तक आंशिक रूप से चल रहा था, लेकिन इसका वाणिज्यिक उपयोग 1992 के अंत तक प्रतिबंधित था। जब मैं 1985 में स्टैनफोर्ड पहुंचा तब वहां पर कंप्यूटर साइंस की बजाय इकोनॉमिक्स विषय सबसे लोकप्रिय था। विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादातर लोग तकनीकी क्षेत्र को मूर्खतापूर्ण, यहां तक कि इसके बारे में बात करने वाले को गंवार तक कह दिया जाता था। लेकिन इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। मोज़ेक ब्राउजर को आधिकारिक तौर पर नवंबर 1993 में रिलीज कर दिया गया, जिससे लोग नियमित इंटरनेट का प्रयोग करने लगे। मोज़ेक नेटस्केप में बदल गया, जिसने 1994 के अंत में अपने नेविगेटर ब्राउजर को जारी किया। 12 महीने के अंदर ही नेविगेटर इतना मशहूर हो गया कि जनवरी 1995 में ब्राउजिंग बाजार के उपयोग को 20% से बढ़ाकर 80% कर दिया। नेटस्केप अगस्त 1995 में अपना आईपीओ लाने में सक्षम हो गया था, भले ही वह अभी तक लाभदायक स्थिति में नहीं था। 5 महीने में ही नेटस्केप के शेयर का स्टॉक भाव $28 से $174 प्रति शेयर तक बढ़ गया था। अन्य तकनीकी कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही थी। याहू अप्रैल 1996 में $848 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ सार्वजनिक हो गया। अमेजन की कीमत मई 97 में $438 मिलियन थी। 98 के वसंत तक प्रत्येक कंपनी के शेयरों की कीमत 4 गुनी से भी अधिक हो गई। अनेक मार्केट क्रिटिक्स ने गैर इंटरनेट कंपनियों के मुकाबले इंटरनेट कंपनियों की कमाई और राजस्व के गुणांकों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया। अब यह निष्कर्ष निकालना आसान था कि बाजार पागल हो गया था। निष्कर्ष समझ में आया, लेकिन गलत समय पर। दिसंबर 1996 में बुलबुले फटने से 3 साल पहले फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने चेतावनी दी थी कि अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई एसेट वैल्यू तर्कहीन अधिकता हो सकती है। टेक्नोलॉजी के निवेशक उत्साह में थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे कितने तर्कहीन थे। यह जानना बहुत आसान है कि उस समय बाकी दुनिया में चीजें बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रही थीं। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट जुलाई 1997 में आया। क्रोनी पूंजीवाद और भारी विदेशी कर्ज ने थाई, इंडोनेशियाई
और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्थाओं को उनके घुटनों के बल बैठा दिया था। अगस्त 2008 में रूबल संकट उभर कर सामने आया, जब रूस ने पुराने राजकोषीय घाटे से छेड़छाड़ की। उसने अपनी मुद्रा को घटा दिया और अपने कर्ज समय पर न चुकाने के कारण डिफाल्टर हो गया। अमेरिकी निवेशक पूरी तरह बर्बाद अर्थव्यवस्था को लेकर डरे हुए थे। डाउ जोन्स औद्योगिक सूचकांक औसत दिनों के मुकाबले 10% से भी अधिक गिर गया था। लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक था। रूबल संकट के कारण लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, एक अत्यधिक लीवरेज यूजर हेज फंड अस्तित्व में आया। 1998 के उत्तरार्ध में LTMC 4.6 बिलियन बचाने में कामयाब रहा और फेड ने बड़े पैमाने पर बेलआउट प्राप्त कर और ब्याज दरों में कमी कर सिस्टमिक आपदा को रोकने के प्रयास किए। यूरोप इसे बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। जनवरी 1999 में बड़े संदेह और उदासीनता के समय में यूरो को लॉन्च किया गया। यूरो की कीमत अपने जन्म यानी व्यापार के पहले दिन $1.19 हो गई थी, लेकिन 2 साल के भीतर यह $0.83 का रह गया था। साल 2000 के मध्य में G7 सेंट्रल बैंकरों को इसे मल्टी बिलियन डॉलर के हस्तक्षेप के साथ आगे बढ़ाना पड़ा। तो सितंबर 1998 में शुरू होने वाले अल्पकालीन .com बूम की पृष्ठभूमि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पुरानी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकी। काम करने के लिए कुछ जरूरी था, और वह भी बड़े पैमाने पर काम करने के लिए। भविष्य सभी के लिए बेहतर होगा। अप्रत्यक्ष प्रमाण से इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्था आगे के लिए एकमात्र रास्ता था। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक का बूम। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक केवल 18 महीने तक ही .com उल्लास पागलपन के स्तर तक था। इसे हम सिलिकॉन वैली की सोने की दौड़ कह सकते हैं। हर जगह पैसा था और उत्साहजनक लोगों की कोई कमी नहीं थी। हर हफ्ते दर्जनों नए स्टार्टअप ने सबसे भव्य लॉन्चिंग पार्टी देने की प्रतिस्पर्धा की, लेकिन पेपर करोड़पति हजारों डॉलर के डिनर बना रहे थे और अपने स्टार्टअप के शेयरों के साथ भुगतान कर रहे थे। कभी कभी यह काम भी कर जाता था। लोगों के झुंड बड़ी पगार वाली अच्छी नौकरियां छोड़ स्टार्टअप में शामिल हो रहे थे। एक छात्र जो मुझे पता था कि 1999 में 6 अलग अलग कंपनियों को चला रहा था। आमतौर पर इसे 40 वर्षीय स्नातक होने के बाद एक बार में आधे दर्जन कंपनियों को शुरू करने के लिए पागल माना जाता है, लेकिन 90 के उत्तरार्ध में लोग विश्वास कर सकते थे कि यह एक विजेता उद्यमी था। सभी को यह पता होना चाहिए था कि बूम अस्थिर था। सबसे अधिक सफल कंपनियां एक तरह के एंटी बिजनेस मॉडल को गले लगाने लगी थी, जहां वे पैसा खो देते थे। जैसे संगीत बजने पर लोगों को नाचने के लिए दोष देना तर्कहीन लगता है, वैसे ही यह तर्कहीनता भी तर्कसंगत थी कि अपने नाम के पीछे .com जोड़ने से रातों रात आपका मूल्य दोगुना हो सकता है। पेपाल बूम। जब मैं 1999 में पेपाल चला रहा था तो मैं अपने कामों से डर गया था। इसलिए नहीं कि मैं अपनी कंपनी में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहां पर हर कोई हर किसी पर विश्वास करने को तैयार था। जहां भी मैंने देखा, लोग कंपनी शुरू कर रहे थे और कंपनियों को बंद कर रहे थे। एक परिचित व्यक्ति ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले अपने बेडरूम से IPO की योजना बनाई थी। उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। इस तरह के वातावरण में सैद्धांतिक रूप से अभिनय करना सनकी लग रहा था। कम से कम पेपाल के पास तो एक उपयुक्त बड़ा मिशन था। हम अमेरिकी डॉलर की जगह एक नई इंटरनेट मुद्रा बनाना चाहते थे। हमारा पहला उत्पाद लोगों को एक पाम पीडीए से दूसरे में पैसे भेजना था। इस विचार को 10 सबसे खराब व्यावसायिक विचारों में से एक चुना।
हालांकि पत्रकारों को छोड़कर उस उत्पाद के लिए किसी का भी कोई उपयोग नहीं था। पाम पीडीए अब भी अलोकप्रिय ही थे। इसकी जगह ईमेल पहले से ज्यादा प्रचलन में था, इसलिए हमने ईमेल के द्वारा पैसे भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका अपनाने का फैसला किया। 1999 के अंत तक हमारे ईमेल से भुगतान के उत्पाद ने अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया। कोई भी हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता है और आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त ग्राहक नहीं थे। विकास धीमा था और खर्च बढ़ गए। पेपाल के काम करने के लिए हमें कम से कम 10 लाख उपयोगकर्ताओं के वॉल्यूम को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता थी। अगर विज्ञापन किया जाए तो इसकी लागत कमाई से ज्यादा थी। बड़े बैंकों के साथ करार प्रभावी नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने लोगों को साइन अप करने के बदले में कुछ भुगतान देने का फैसला किया। हमने नए ग्राहक को शामिल होने के लिए $10 दिए और जब भी उसने किसी मित्र को साइन अप करवाया तो हमने उन्हें रेफरल के तौर पर $10 और दिए। इससे हमें सैकड़ों हजार नए ग्राहक मिले जिनकी वृद्धि दर गुणात्मक थी। बेशक इस तरह से ग्राहक बनाने की रणनीति अपने आप में खर्चीली व असुरक्षित थी। जब आप लोगों को अपने ग्राहक बनने के रूप में भुगतान करते हैं तब गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ आप अपनी संरचना लागत को भी बढ़ा लेते हैं। उस समय यह असामान्य लागत सामान्य थी, लेकिन हमने सोचा कि हमारी बढ़ी लागतें कम थी। एक बड़े कस्टमर आधार के बाद पेपाल ने ग्राहकों के लेन देन पर एक छोटा सा शुल्क लगाकर अपने लाभ के लिए एक आसान व बेहतरीन रास्ता निकाल लिया था। हम जानते थे कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। हम यह भी जानते थे कि बूम खत्म हो रहा था। चूंकि हम आने वाले बुरे समय में व्यवसाय को जारी रखने के लिए अपने मिशन में निवेशकों के विश्वास की अपेक्षा नहीं कर सकते थे, इसलिए हम धन जुटाने के लिए तेजी से काम कर रहे थे। 16 फरवरी 2000 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारे वायरल विकास की सराहना करते हुए एक कहानी सुनाई और इन्वेस्टर्स को सुझाव दिया कि पेपाल की कीमत $500 मिलियन के पार थी। हमने अगले महीने $100 मिलियन जुटाए। हमारे मुख्य निवेशकों ने जर्नल के मूल्यांकन को आधिकारिक रूप में स्वीकार कर लिया। अन्य निवेशक निवेश की जल्दबाजी में थे। एक दक्षिण कोरियाई फर्म ने बिना पहले कोई सौदेबाजी किए या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना मुझे $5 मिलियन वायर किए थे। जब मैंने पैसे वापस करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसे कहां भेजना है। मार्च 2000 में जब हमने अपने आप को मार्केट में स्थापित कर बेचना शुरू किया तब इसमें पेपाल को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। जैसे ही हमने सौदे की डील फाइनल करना शुरू किया तब बूम का बुलबुला फट गया। सीख सीखी। नास्डक मार्च 2000 के मध्य में अपने चरम सूचकांक 5048 पर पहुंच गया और फिर अप्रैल के मध्य में यही सूचकांक 3321 तक गिर गया। जब अक्टूबर 2002 में यह सूचकांक 1114 पर पहुंचा तब देश ने 90 के दशक के तकनीकी आशावाद के खिलाफ किए गए बाजार के पतन की व्याख्या को सही माना। कार्नुकोपियन उम्मीद के अनुसार इस युग को मूर्ख लालच के युग का पुनः लेवल लगा दिया गया और इसे स्थायी माना गया। हर किसी ने भविष्य को मौलिक रूप से अनिश्चितता के रूप में मानना सीखा और योजनाओं को तिमाहियों के बजाय वर्षों में मापा जाने लगा। वैश्वीकरण ने भविष्य की आशा के रूप में टेक्नोलॉजी को बदल दिया। 1990 के फ्रॉम ब्रिक टू क्लिक विचार ने उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया। निवेशक इंटो यानी आवास और ब्रिक्स यानी वैश्वीकरण पर वापस लौट गए। नतीजा इस बार रियल इस्टेट के रूप में एक और बूम का पुल भुला। सिलिकॉन वैली में फंसे उद्यमियों ने .com दुर्घटना से 4 बड़े सबक सीखे जो आज भी व्यापारी वर्ग को मार्गदर्शन देते हैं। पहला,
वृद्धशील प्रगति करें। बड़े लक्ष्यों ने बूम के बुलबुले फुलाए, इसलिए उन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। कोई भी जो कुछ महान करने में सक्षम होने का दावा करता है वह संदेह में होगा, और जो भी कोई दुनिया को बदलना चाहता है वह अधिक विनम्र होना चाहिए। छोटे वृद्धशील कदम एकमात्र सुरक्षित मार्ग है। दूसरा, नरम वैद लचीले रहो। सभी कंपनियों को हर समय लचीला होना चाहिए। आपको पता नहीं होता कि आपका व्यवसाय क्या करेगा, और योजना बनाना थकाऊ व कठिन काम है। इसके बजाय आपको चीजों को पुनरावृत्ति करने की कोशिश करनी चाहिए और उद्यमिताशीलता को जीरो से शुरू करना चाहिए। तीसरा, प्रतियोगिता में सुधार करें। समय से पहले एक नया बाजार बनाने की कोशिश मत करो। आपके पास एक वास्तविक व्यवसाय है, यह जानने का एकमात्र तरीका है कि पहले से ही मौजूद ग्राहक से शुरुआत करना है। इसलिए आपको सफल प्रतिस्पर्धियों द्वारा पहले से पहचाने जाने योग्य उत्पादों में सुधार करके अपनी कंपनी का निर्माण करना चाहिए। चौथा, उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करें, बिक्री पर नहीं। यदि आपके उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापन या सेल्स फोर्स की आवश्यकता है तो यह पर्याप्त नहीं है। नई तकनीक मुख्य रूप से उत्पाद के विकास से संबंधित होती है, वितरण के बारे में नहीं। गिरावट के दौर में विज्ञापन अपर्याप्त होते हैं, इसलिए केवल टिकाऊ तकनीक ही असल विकास है। ये सबक स्टार्टअप दुनिया में सिद्धांत बन गए हैं। जो लोग उन्हें अनदेखा करेंगे उन्हें साल 2000 में आने वाली प्रौद्योगिकी की दुर्घटना को आमंत्रित करने वाला माना जाएगा, और फिर भी इसके विपरीत सिद्धांत शायद अधिक सही है। पहला, तुच्छता से साहस का जोखिम उठाना बेहतर है। दूसरा, योजना नए होने की तुलना में खराब योजना बेहतर है। तीसरा, प्रतिस्पर्धी बाजार लाभ कम करते हैं। चौथा, बिक्री उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की उत्पाद। यह सच है कि प्रौद्योगिकी में एक बबल था। 90 का उत्तरार्ध अभिमान करने का समय था। लोग जीरो से एक तक जाने में विश्वास करते थे, लेकिन वास्तव में बहुत कम स्टार्टअप वहां पहुंच रहे थे और कई लोग इसके बारे में केवल बात ही करते थे। लेकिन लोगों ने सोचा कि कुछ नए करने से तो अच्छा है कि कुछ करने के तरीके खोजे जाएं। मार्च 2000 का बाजार अपने उच्च शिखर पर था। कम स्पष्ट लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह सफलता की चोटी भी थी। लोगों ने इसमें भविष्य देखा कि हमें नई तकनीक कितनी दूर व सुरक्षित रूप से वहां पहुंचने में मदद करेगी, और फिर इसे स्वयं बनाने में सक्षम होने का फैसला किया। हमें अभी भी नई तकनीक की आवश्यकता है, और हमें इसे पाने के लिए कुछ 1999 की अभिमानी शैली और उत्साह की भी आवश्यकता होगी। अगली पीढ़ी की कंपनियों का निर्माण करने के लिए हमें दुर्घटना के बाद बनाए गए वॉचडॉग जैसे स्वभाव को त्यागना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि विपरीत विचार स्वचालित रूप से सत्य है। इसके बजाय खुद से पूछें, व्यवसाय के बारे में आप जो कुछ जानते हैं वह पिछली गलतियों के गलत प्रतिक्रियाओं के रूप में आकार लेते हैं। अभी तक का सार यह है कि हमेशा भीड़ का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद के लिए भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 3 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 3, hindiaudiobook.com। कामयाब कंपनियां अलग दिखती है। हमारे विरोधाभासी प्रश्न का व्यावसायिक संस्करण यह है कि कोई बड़ी कंपनी अपनी इमेज की इमारत क्यों नहीं बना रही है। यह सवाल दिखने में कठिन है, क्योंकि आपकी कंपनी अधिक मूल्यवान होने के बावजूद अधिक वैल्यू बना सकती है। केवल वैल्यू बनाना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने द्वारा बनाए गए कुछ मूल्यों को भी अपनाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े व्यवसाय भी खराब व्यवसाय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी एयरलाइन कंपनियां
हर साल लाखों यात्रियों की सेवा करती है और सैकड़ों अरब डॉलर कमाती है, लेकिन 2012 में जब औसत विमान किराया $178 था, तब एयरलाइंस प्रति यात्री केवल 37 सेंट का ही लाभ कमा रही थी। हम अगर उनकी तुलना गूगल से करें, जो कम धन लेकिन लाभ अधिक कमा रहा था। गूगल ने 2012 में एयरलाइंस की $160 बिलियन कमाई के मुकाबले $50 बिलियन कमाए, यानी अपने रेवेन्यू का 21% लाभ कमाया, एयरलाइन उद्योग के लाभ मार्जिन से 100 गुना अधिक। गूगल अकेला इतना पैसा कमाता है जो अमेरिका की सभी एयरलाइंस के संयुक्त लाभ से 3 गुना अधिक है। एयरलाइंस एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन गूगल अकेले खड़ा है। अर्थशास्त्री अंतर को समझाने के लिए 2 सरलीकृत मॉडल का उपयोग करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन को अर्थशास्त्र में आदर्श और डिफॉल्ट स्थिति दोनों ही माना जाता है। जब प्रतिस्पर्धी बाजार संतुलित हो, तब उत्पादक आपूर्ति और उपभोक्ता मांग समान होते हैं। प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रत्येक कंपनी समान मूल्य पर अपने उत्पादों को बेचती है, क्योंकि किसी फर्म के पास कोई मार्केट पावर नहीं है, इसलिए उन्हें बाजार के अनुसार निर्धारित होने वाली कीमतों पर अपना सामान बेचना होता है। यदि यहां पैसा बनाया जा रहा हो, तो नई कंपनियां बाजार में प्रवेश करेंगी, आपूर्ति में वृद्धि करेंगी, कीमतें नीचे गिराई जाएंगी और इस तरह वो मुनाफे खत्म हो जाएंगे जो उन्हें पहले मिल रहे थे। यदि बहुत सी कंपनियां बाजार में प्रवेश करती हैं, तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा, कुछ बंद हो जाएंगी और कीमतें नीचे टिकाऊ स्तर पर वापस आ जाएंगी। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत लंबे समय तक कोई भी कंपनी आर्थिक लाभ नहीं कमा सकती। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन से एकदम विपरीत है। प्रतिस्पर्धी कंपनी को अपना सामान बाजार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचना पड़ता है, लेकिन मोनोपोली बाजार का मालिक है, इसलिए यह अपनी कीमतें खुद निर्धारित करता है। क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए इसके उत्पाद की मात्रा व मूल्य तालमेल पर रहते हैं, जो इसके मुनाफे को हमेशा ज्यादा रखते हैं। एक अर्थशास्त्री को प्रत्येक मोनोपोली एक जैसी दिखाई देती है, भले ही यह नियमों के अनुसार काम करके विवेकपूर्ण रूप से प्रतिद्वंदियों को समाप्त करता है और शीर्ष पर रहकर अपना रास्ता खुद बनाता है। इस पुस्तक में हम अवैध या सरकारी पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं। मोनोपोली से हमारा मतलब है कि कोई कंपनी वह सामान या सेवा प्रदान करे जिसे कोई दूसरा निकट भविष्य में उपलब्ध न करवा सके। 0 से 1 तक जाने का गूगल सबसे अच्छा उदाहरण है। सर्च इंजन के क्षेत्र में साल 2000 के दशक के आरंभ से कोई भी इसका कंपटीटर नहीं है। यह निश्चित रूप से माइक्रोसॉफ्ट और याहू से अलग है। अमेरिकियों ने समाजवादी सोच, कमाई के बारे में सोच से हमें बचाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा का मिथक दिया है। असल में पूंजीवाद और प्रतिस्पर्धा इससे विपरीत है। पूंजीवाद पूंजी के संचय पर आधारित है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत सभी मुनाफे निम्न हो जाते हैं। उद्यमियों के लिए सबक स्पष्ट है, यदि आप स्थायी मूल्यवान व्यवसाय बनाना चाहते हैं, तो पहले से ही परिभाषित कमोडिटी व्यवसाय न बनाएं। वास्तव में दुनिया कितनी मोनोपोलिटिक्स है, वास्तव में कितनी कंपिटिटिव है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इन मामलों में हमारी आम सोच उलझन भरी है। बाहर से देखने वालों को सभी व्यवसाय समान दिखाई दे सकते हैं, इसलिए उनके बीच केवल छोटे अंतर को समझना आसान है, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं अधिक द्विआधारी है। सही प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार के बीच एक बड़ा अंतर है, और अधिकांश व्यवसाय आमतौर पर किसी एक के ज्यादा करीब होते हैं, जो हम आमतौर पर महसूस करते हैं।
भ्रम अनेक तरीकों से बाजार की स्थितियों का वर्णन करने के पूर्वाग्रह से आता है। दोनों एकाधिकारियों और प्रतियोगियों को सच्चाई की ओर झुकाव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एकाधिकार झूठ बोलता है। मोनोपोली करने वाले खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनके इस एकाधिकार के बारे में ज्यादा बात की जाए तो ऑडिट, खातों की जांच और अन्य तरीके के कागजी हमले किए जा सकते हैं। चूंकि वे चाहते हैं कि उनके मोनोपोली मुनाफे को निरंतर जारी रखा जाए, वे अपने एकाधिकार को छिपाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, आमतौर पर अपनी प्रतिस्पर्धा की शक्ति का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। इस बारे में सोचें कि गूगल अपने व्यवसाय के बारे में कैसे बात करता है। यह निश्चित रूप से मोनोपोली करने का दावा नहीं करता, लेकिन क्या यह मोनोपोली करता है? खैर, यह निर्भर करता है मोनोपोली में। गूगल मुख्य रूप से एक सर्च इंजन है। मई 2014 तक इसका सर्च बाजार लगभग 68% था। इसके निकटतम प्रतियोगियों माइक्रोसॉफ्ट और याहू का सर्च मार्केट क्रमशः 19% और 10% था। यदि आपको यह पर्याप्त प्रभावशाली नहीं लगता है तो इस तथ्य पर विचार करें कि गूगल शब्द अब एक क्रिया के रूप में ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। बिंग के साथ भी यही होने जा रहा है। मान लीजिए हम कहते हैं कि गूगल मुख्य रूप से एक विज्ञापन कंपनी है। इससे चीजों में बदलाव आ जाएगा। यूएस सर्च इंजन विज्ञापन बाजार सालाना $17 बिलियन का है। ऑनलाइन विज्ञापन $37 बिलियन सालाना है। पूरा यूएस विज्ञापन बाजार $150 बिलियन है और वैश्विक विज्ञापन बाजार $495 बिलियन का है। तो अगर गूगल ने पूरी तरह से यूएस सर्च इंजन विज्ञापन का एकाधिकार किया है तो यह वैश्विक विज्ञापन बाजार का सिर्फ 3.4% होगा। इस तरह से गूगल विश्व प्रतिस्पर्धा में एक छोटे से खिलाड़ी की तरह दिखाई देगा। क्या होगा यदि हम गूगल को एक प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में देखें? यह काफी सही भी लगता है। अपने सर्च इंजन के अलावा गूगल दर्जनों अन्य सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाता है, रोबोटिक कारें, एंड्रॉयड फोन आदि। लेकिन गूगल के राजस्व का 95% सर्च विज्ञापनों से आता है। इसके अन्य उत्पादों ने 2012 में सिर्फ $2.35 बिलियन की कमाई की, जो कि इसके तकनीकी उत्पादों का केवल 1% है। क्योंकि उपभोक्ता तकनीक बाजार दुनिया भर में $964 अरब का है, इसलिए गूगल 0.24% से भी कम का मालिक होगा। अगर एकाधिकार को छोड़ दें तो गूगल खुद को एक और तकनीकी कंपनी के रूप में तैयार करे तो इसे सभी प्रकार के कामों से ध्यान हटाना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी झूठ। गैर एकाधिकारवादी इसके विपरीत झूठ बोलते हैं। हम अपने स्वयं के खेल में हैं जिसके हम रेफरी हैं। एंटरप्रेनर्स प्रतिस्पर्धा के पैमाने को हमेशा कम करके पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन यह स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती है। घातक प्रलोभन आपके बाजार को बेहद संकीर्ण रूप से वर्णित करता है, ताकि आप इस पर परिभाषा के आधार पर हावी हो सकें। मान लीजिए कि आप एक रेस्तरां शुरू करना चाहते हैं जो पालो आल्टो में ब्रिटिश खाना बनाता है। यह काम पूरी मार्केट में कोई और नहीं कर रहा है। आप तर्क दे सकते हैं, हम पूरे बाजार के मालिक हैं। लेकिन यह केवल तभी सच है जब पूरा बाजार ब्रिटिश भोजन के लिए विशेष बाजार हो। क्या होगा यदि सामान्य बाजार पालो आल्टो रेस्ट्रा बाजार ही हो? और क्या होगा यदि आसपास के शहरों में सभी रेस्तरा इसी बाजार का हिस्सा हो? ये कठिन प्रश्न है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सभी से यही प्रश्न पूछें। जब आप सुनते हैं कि अधिकतर नए रेस्तरा एक या दो वर्षों में फेल होकर बंद हो जाते हैं तो आपके मन में एक विचार आता है कि आपका रेस्तरा
औरों से कैसे अलग है। आप लोगों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इन सब से कैसे अलग हैं और यह आपके साथ नहीं होने वाला। साल 2001 में पेपाल के मेरे सहकर्मी और मैं अक्सर कास्ट्रो स्ट्रीट के माउंटेन व्यू में दोपहर का भोजन करने जाते थे। यहां पर भारतीय, सुशी और बर्गर आदि सभी प्रकार के भोजन थे। इस रेस्तरा में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय जैसे भोजन की श्रेणियां भी थी। यहां पर सस्ता और महंगा सभी तरह के भोजन विकल्प थे। प्रतिस्पर्धी स्थानीय रेस्तरा बाजार के विपरीत पेपाल उस समय दुनिया की एकमात्र ईमेल आधारित पेमेंट कंपनी थी। हमने कास्ट्रो स्ट्रीट के रेस्तरा की तुलना में कम लोगों को नौकरी पर रखा था, लेकिन हमारा व्यवसाय उन सभी रेस्तराओं की तुलना में अधिक कमाता था। एक नया दक्षिण भारतीय रेस्तरा शुरू करना पैसे बनाने का एक मुश्किल तरीका है। यदि आप प्रतिस्पर्धी वास्तविकता को देखते हैं और छोटे छोटे कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो शायद आपका व्यवसाय बने रहने की संभावना नहीं के बराबर होगी। रचनात्मक उद्योग भी इसी तरह से काम करता है। कोई पटकथा लेखक यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसकी नई फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से ही कहीं पर लिखी जा चुकी है। इसके बजाय नई पिच यह है, यह फिल्म पूरी तरह से नए तरीकों से व विभिन्न रोमांचक कारनामों से भरी हुई है। यह सच भी हो सकता है। गैर एकाधिकारवादी अपने बाजार को विभिन्न छोटे छोटे बाजारों के रूप में परिभाषित करके अपने सीक्रेट्स को बताने में अति करते हैं। इसके विपरीत मोनोपोली करने वाले अपने बाजार को कई बड़े बाजारों के संघ के रूप में तैयार करके अपने एकाधिकार को छिपाते हैं। एक एकाधिकारवादी संघ की कहानी वास्तव में कैसी दिखती है। साल 2011 की कांग्रेस सुनवाई में गूगल चेयरमैन एरिक स्मिट की गवाही के एक बयान पर विचार करें। हम एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करते हैं जिसमें जानकारी पाने के लिए उपभोक्ताओं के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। पीआर से अनुवादित सादी भाषा में, गूगल एक बड़े तालाब में एक छोटी मछली है। हमें किसी भी समय पूरी तरह से निगल लिया जा सकता है। हम वह मोनोपोली नहीं है जिसे सरकार ढूंढ रही है। क्रूर लोग प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के साथ समस्या मुनाफे की कमी से भी परे है। कल्पना कीजिए कि आप माउंटेन व्यू के उस रेस्तरा को चला रहे हैं। आप अपने दर्जनों प्रतिस्पर्धियों से अलग नहीं है, इसलिए आपको खड़े रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। यदि आप कम मार्जिन के साथ अच्छा भोजन देते हैं तो आप शायद कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान भी न कर सकें और आपको अपनी पूरी ताकत लगाने की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि छोटे रेस्तरा ने दादी को रजिस्टर में काम करने और बच्चों को पीछे बर्तन धोने के लिए रखा हुआ है। रेस्टोरेंट सबसे ऊंचे रेटिंग वाले पायदान पर भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जहां मिशेलिन के स्टार सिस्टम जैसी समीक्षा और रेटिंग व तेज कंपटीशन की संस्कृति के माहौल को बनाया है। फ्रांसीसी शेफ 3 मिशेलिन स्टार के विजेता बर्नार्ड लोईशाऊ को यह कहते हुए सुना गया था, यदि मैं 1 स्टार भी खो देता हूं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मिशेलिन ने अपनी रेटिंग बरकरार रखी, लेकिन 2003 में लोईजो ने खुद को मार डाला जब एक प्रतिस्पर्धी फ्रांसीसी डाइनिंग गाइड ने उनके रेस्तरा को डाउनग्रेड किया। प्रतिस्पर्धी परिस्थितिक तंत्र लोगों को क्रूरता करने या मौत को गले लगाने की ओर धकेल देता है। गूगल की मोनोपोली अलग तरह की है, क्योंकि इसे किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसके कर्मचारियों, इसके उत्पादों और पूरी दुनिया पर इसके प्रभाव की देखभाल करने के लिए व्यापक तरीके हैं। गूगल का आदर्श वाक्य है, बुरा मत बनो। यह एक ब्रांडिंग चाल है, या यूं कहें कि यह ऐसा व्यवसाय है जो नैतिकता व अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर सफल रहा है। व्यवसाय में पैसा महत्वपूर्ण है,
या फिर यह सब कुछ है। एकाधिकारवादी पैसे कमाने के अलावा अन्य चीजों के बारे में सोचते हैं। गैर एकाधिकारवादी ऐसा नहीं कर सकते। परफेक्ट कंपटीशन में व्यापार आज के मार्जिन पर केंद्रित होता है। यह संभवतः लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए योजना नहीं बना सकता। रोजाना की मारामारी से केवल एक चीज व्यापार को खड़ा रहने दे सकती है, वो है केवल मोनोपोली लाभ, मोनोपोली पूंजीवाद। सबके लिए आंतरिक मोनोपोली अच्छी है, लेकिन बाहर के बारे में क्या? क्या समाज के बाकी हिस्सों में बुरे लाभ आते हैं? असल में हाँ, लाभ ग्राहकों के पर्स से बाहर आते हैं और इसलिए मोनोपोली दूधकारने लायक है, लेकिन केवल ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी नहीं बदलता है। एक स्थिर दुनिया में मोनोपोली सिर्फ एक कमाई का तरीका है। यदि आप किसी चीज के लिए बाजार को अपने घेरे में लेते हैं तो आप कीमत को बढ़ा सकते हैं। दूसरों को आपसे खरीदने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। मशहूर बोर्ड गेम के बारे में सोचें। खिलाड़ी खिलाड़ियों के आसपास घूमते हैं। बोर्ड कभी नहीं बदलता है। एक बेहतर प्रकार की रियल एस्टेट की खोज करके जीतने का कोई तरीका नहीं है। गुणों के मूल्य हर समय तय किए जाते हैं, इसलिए आप उन्हें अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वह गतिशील है। नई और बेहतर चीजों का आविष्कार करना संभव है। क्रिएटिव एकाधिकारवादी दुनिया में नई खोजों के द्वारा ग्राहकों को अधिक विकल्प देते हैं। समाज के बाकी हिस्सों के लिए ही नहीं, बल्कि वे इसे बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तरह काम करते हैं। यहां तक कि सरकार भी यह जानती है। यही कारण है कि इसके विभागों में से एक नए आविष्कारों को पेटेंट देकर मोनोपोली बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और दूसरा उन पर अविश्वसनीय मामलों पर मुकदमा चलाकर शिकार करता है। यह पूछना संभव है कि किसी को भी मोबाइल सॉफ्टवेयर डिजाइन की तरह कुछ सोचने के लिए वास्तव में कानूनी रूप से लागू करने योग्य एकाधिकार से सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट है कि आईफोन डिजाइन, उत्पादन और विपणन से एप्पल के मोनोपोली लाभ की तरह कुछ अधिक लाभ पैदा करने का इनाम कृत्रिम नहीं है। ग्राहकों को वास्तव में स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए ज्यादा पैसों का भुगतान करने का विकल्प था, जिसने वास्तव में काम किया। नए एकाधिकार की गतिशीलता स्वयं बताती है कि पुराने एकाधिकार इनोवेशन क्यों नहीं करते हैं। एप्पल के iOS के साथ मोबाइल कंप्यूटिंग के जन्म ने माइक्रोसॉफ्ट के दशक के लंबे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चस्व को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। इससे पहले 60 और 70 के दशक में IBM ने हार्डवेयर मोनोपोली को माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर मोनोपोली द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। 20वीं शताब्दी में AT&T के पास टेलीफोन सेवा पर मोनोपोली थी, लेकिन अब किसी को भी किसी भी प्रदाता से सस्ती सेलफोन योजना मिल सकती है। यदि मोनोपोली व्यवसायों की प्रवृत्ति प्रगति को रोकती है तो वे खतरनाक होंगे और हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन प्रोग्रेस का इतिहास निर्भरताओं की जगह बेहतर मोनोपोली व्यवसायों का इतिहास है। मोनोपोली प्रोग्रेस को चलाते हैं, क्योंकि वर्षों या यहां तक कि दशकों तक मोनोपोली लाभ के साथ साथ इनोवेशन करने के लिए शक्तिशाली प्रोत्साहन देता है। मोनोपोली इनोवेशन को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि मुनाफा उन्हें लंबी अवधि की योजना बनाने और महत्वाकांक्षी अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाता है। वे यह भी जानते हैं कि प्रतियोगिता से बाहर हुई कंपनियों के सपने टूट जाते हैं। अर्थशास्त्री प्रतियोगिता को एक आदर्श तरीके के रूप में मानने के प्रति जुनूनी क्यों है? यह इतिहास का एक अवशेष मात्र है। अर्थशास्त्रियों ने 19वीं शताब्दी के भौतिकविदों के काम से गणितीय गणना की नकल बनाई है। वे व्यक्तियों और व्यवसायों को अलग अलग रूप में देखते हैं, न कि अद्वितीय रचनाकारों के रूप में देखते हैं। उनके सिद्धांत
परफेक्ट कंपटीशन की संतुलन स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि मॉडल के लिए यह आसान तरीका है। यह बेहतरीन बिजनेस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह जानने लायक है कि 19वीं शताब्दी की भौतिकी द्वारा भविष्यवाणी की जाने वाली दीर्घकालीन संतुलन एक ऐसा विचार था जिसमें सभी ऊर्जा समान रूप से वितरित की जाती है और सब कुछ आराम के लिए किया जाता है, जिसे ब्रह्मांड का गर्मी से अंत भी कहा जा सकता है। थर्मोडायनामिक्स पर जो कुछ भी आपका विचार है, यह एक शक्तिशाली रूपक है। व्यवसाय में संतुलन का मतलब स्टेसिस है और स्टेसिस का मतलब मौत है। यदि आपका उद्योग प्रतिस्पर्धी संतुलन में है तो आपके व्यवसाय के अंत से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ अन्य निर्विवाद प्रतियोगी हमेशा आपकी जगह लेने के लिए तैयार रहेंगे। सही संतुलन उस शून्य का वर्णन कर सकता है जो अधिकांश ब्रह्मांड में है। यह कई व्यवसायों को भी चित्रित कर सकता है, लेकिन हर नई रचना या खोज संतुलन से दूर होती है। आर्थिक सिद्धांत के बाहर वास्तविक दुनिया में हर व्यवसाय वास्तव में इस हद तक सफल होता है कि यह कुछ अलग नहीं कर सकता है। मोनोपोली भी अपवाद नहीं है। मोनोपोली हर सफल व्यवसाय में होती है। टॉलस्टॉय ने कहा है कि सभी खुश परिवार समान है, प्रत्येक दुखी परिवार अपने तरीके से नाखुश है। व्यवसाय में यह विपरीत है। सभी कामयाब कंपनियां अलग अलग हैं। प्रत्येक एक अनूठी समस्या को हल करके मोनोपोली प्राप्त करती है। सभी असफल कंपनियां समान है, वे प्रतिस्पर्धा से बचने में नाकाम रहती है। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 4 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 4, प्रतिस्पर्धा की विचारधारा। hindiaudiobook.com। क्रिएटिव मोनोपोली का मतलब उस नए उत्पाद से है जो सभी के लिए उपयोगी व निर्माता के लिए लाभदायक हो। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है किसी के लिए कोई लाभ नहीं और अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाला। तो फिर लोग प्रतिस्पर्धा को अच्छा क्यों मानते हैं? इसका मतलब यह है कि प्रतियोगिता सिर्फ एक आर्थिक अवधारणा नहीं है कि जिसके आधार पर व्यक्तियों और कंपनियों का बाजार में सौदा होता है। किसी और चीज से अधिक प्रतियोगिता एक विचारधारा है, वह विचारधारा जो हमारे समाज में फैली हुई है और हमारी सोच को विकृत करती है। हम प्रतिस्पर्धा का प्रचार करते हैं, अंतर्मन से इसे आवश्यक मानते हैं और इसके नियमों को लागू करते हैं, और नतीजन हम इसके अंदर खुद को और ज्यादा फंसाते चले जाते हैं। हम जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं उतना कम लाभ कमाते हैं। यह एक साधारण सत्य है, लेकिन हम सभी को इसे अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमारी शैक्षणिक प्रणाली प्रतिस्पर्धा के हमारे जुनून को चलाती है और इसे हमारे अंदर प्रतिबिंबित करती है। ग्रेड्स स्वयं भी तो प्रत्येक छात्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को एक सटीक पैमाने पर मापने के लिए बनाए गए हैं। ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उच्च स्थान और प्रमाण पत्र मिलते हैं। व्यक्तिगत प्रतिभा और वरीयताओं के बावजूद हम प्रत्येक युवा को वही विषय एक ही तरीके से पढ़ाते हैं। जो छात्र डेस्क पर बैठकर अच्छा नहीं सीखते हैं उन्हें कमतर महसूस करवाया जाता है, जबकि परीक्षा और असाइनमेंट जैसे पारंपरिक तरीकों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले बच्चे इस अजीब तरह के प्राकृतिक समानता के विपरीत काम करने वाले सिस्टम में अपनी पहचान गढ़ते हैं। और यह तब बदतर हो जाता है जब छात्र इसके उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। उच्च वर्ग के छात्र अपने सपने को पाने के लिए कड़ा कंपटीशन करते हैं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। उच्च विद्यालयों में मैनेजमेंट और बैंकिंग जैसे पारंपरिक करियर के लिए छात्र आज कंपटीशन के भंवर में पूरी तरह फंस चुके हैं और इसके लिए बहुत महंगी महंगी ट्यूशनें भी रखते हैं। हम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैं छोटा था तब मैंने अपने आप से यह पूछा था कि 8वीं कक्षा से ही मेरा करियर पाथ सेट कर दिया गया था
मेरे एक दोस्त ने भविष्यवाणी की थी, उसके अनुरूप ही 4 साल बाद मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए गया और पारंपरिक रूप से स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद मैंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया, जहां मैंने सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा की। कानून के छात्रों की दुनिया में पुरस्कार स्पष्ट हैं। हर साल हजारों स्नातकों में से केवल कुछ दर्जनों को सुप्रीम कोर्ट में क्लर्कशिप मिलती है। एक साल के लिए सेंट्रल अपील कोर्ट में क्लर्क लगने के लिए मुझे जस्टिस कैनेडी और स्केलिया के साथ क्लर्कशिप के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जस्टिस के साथ मेरी चर्चा अच्छी तरह चली थी। मैं इस आखिरी प्रतियोगिता को जीतने के बहुत करीब था। मैंने सोचा अगर मुझे क्लर्कशिप मिल गई तो मैं जीवन में सफल रहूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने अपने इस करियर को बर्बाद कर लिया। 2004 में मैं पेपाल के बंद होने के बाद अपने लॉ स्कूल के पुराने दोस्त के पास गया ताकि वो मुझे मेरी एस्पल क्लर्कशिप एप्लीकेशन तैयार करने में मदद करे। हमने लगभग एक दशक से बातचीत नहीं की थी। उसका पहला सवाल यह नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं या इतने लंबे अरसे बाद मिले हैं। इसके बजाय वह चिल्लाया और पूछा, क्या आप क्लर्कशिप खोने से खुश नहीं हैं? हम दोनों ही जानते थे कि जीतने वाली अंतिम प्रतिस्पर्धा मेरे जीवन को बदल देगी। अगर मैं वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क होता तो शायद मैं अपने पूरे करियर में कुछ नया करने की बजाय अन्य लोगों के व्यापारिक सौदों को लिखता और उन्हें तैयार करता। यह कहना मुश्किल है कि यह कितना अलग होगा, लेकिन अवसर लागत बहुत अधिक थी। सभी विद्वानों के पास उनके अतीत में एक अच्छा भविष्य था। युद्ध और शांति। प्रोफेसर अकादमिक कटघरा संस्कृति को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजरों को युद्ध और व्यापार एक समान नजर आते हैं। एमबीए के छात्र क्लाउजविट्स और सन टीजू को कॉपी करते हैं। युद्ध के जैसे शब्द हमारी रोजमर्रा की व्यावसायिक भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम एक सेल्स फोर्स बनाने के लिए हेड हंटर शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हमें कैप्टिव बाजार लेने और शिकार करने में सक्षम बनाता है, लेकिन वास्तव में यह प्रतिस्पर्धा है, व्यवसाय नहीं। यह युद्ध की तरह है, कथित रूप से जिसे बहादुर माना जाता है, लेकिन अंततः वह विनाशकारी होता है। लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? कार्ल मार्क्स और शेक्सपियर लगभग हर प्रकार के संघर्ष को समझाने के लिए दो मॉडल प्रदान करते हैं। मार्क्स के अनुसार लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से अलग हैं। कमजोर संपन्न से लड़ता है क्योंकि उसके पास अलग अलग भौतिक परिस्थितियों में पूरी तरह अलग विचार और लक्ष्य होते हैं। मतभेद जितना अधिक होगा, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। इसके विपरीत शेक्सपियर के लिए सभी लड़ाकों को समान रूप से कम और ज्यादा दिखता है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। रोमियो और जूलियट की शुरुआती लाइन पर विचार करें, दो घर, दोनों गरिमा में समान, दोनों घर एक जैसे, फिर भी वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। आखिरकार वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्यों लड़ना शुरू किया था। व्यवसाय की दुनिया में कम से कम शेक्सपियर बेहतर गाइड साबित हुए हैं। कंपनी के अंदर लोग अपने सहकर्मियों से और कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों से बाजार प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। संसार में लोग यह भूल जाते हैं कि उनके अपने क्या मायने हैं और उनके लिए क्या सही है। इसके बजाय बस वो केवल अपने प्रतिद्वंदियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए वास्तविक दुनिया में शेक्सपियर मॉडल का परीक्षण करें। रोमियो और जूलियट के आधार पर केट्स और स्मिट नामक एक प्रोडक्ट की कल्पना करें। मोंटे को माइक्रोसॉफ्ट मानते हैं और कैपलेट को गूगल मान लेते हैं। अल्फा युद्ध द्वारा संचालित दो महान परिवार उनकी समानता के कारण उत्पन्न संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। संघर्ष पहले केवल दिखने में अपरिहार्य लगता है, वास्तव में यह पूरी तरह से टालने योग्य था। ये दोनों परिवार अलग अलग स्थानों से आए थे। मोंटेक हाउस ने ऑपरेटिंग सिस्टम
और ऑफिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। हाउस ऑफ कैपलेट ने सर्च इंजन बनाया था। इनमें आपस में लड़ने के लिए क्या था? जाहिर है बहुत सारे। स्टार्टअप के रूप में प्रत्येक कंपनी स्वतंत्र रूप से समृद्ध होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बढ़ना शुरू किया वैसे ही एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। परिणाम विंडोज बनाम क्रोम ओएस, बिंग बनाम गूगल सर्च, एक्सप्लोरर बनाम क्रोम, ऑफिस बनाम डॉक्स और सरफेस बनाम नेक्सस। इस युद्ध के कारण मॉन्टेग्यू और कैपुलेट्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के प्रभुत्व की लागत थी। इसी बीच एप्पल आया और उन सभी को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2013 में एप्पल का मार्केट कैपिटलिज्म $500 बिलियन था, जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों का इकट्ठा मार्केट कैपिटल $467 अरब का था। सिर्फ 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट और गूगल एप्पल की तुलना में बड़ी फर्में थी। युद्ध यानी कंपटीशन एक महंगा व्यापार है। प्रतियोगिता पुराने अवसरों पर अधिक जोर देने का कारण बनती है। जिन चीजों ने अतीत में काम किया है उनकी केवल हम नकल बनाते हैं। आइए हम हाल ही में बने मोबाइल क्रेडिट कार्ड रीडर का विचार करें। अक्टूबर 2010 में स्क्वायर नामक स्टार्टअप ने एक छोटा सफेद स्क्वायर आकार वाला प्रोडक्ट जारी किया, जो किसी भी क्रेडिट कार्ड को आईफोन के साथ स्वाइप करके पेमेंट स्वीकार करने देता है। मोबाइल हैंडसेट के लिए यह पहला और अच्छा पेमेंट प्रोसेसिंग समाधान था। प्रतियोगी तुरंत इसकी ओर आकर्षित हुए। नेटसेकुर नामक एक कनाडाई कंपनी ने अपना खुद का कार्ड रीडर अर्ध चंद्रमा आकार में लॉन्च किया। एंट्यूटी से बेलनाकार आकार में लाया। मार्च 2012 में ईबे की पेपाल इकाई ने अपना खुद का कॉपीकैट कार्ड रीडर लॉन्च किया। यह एक त्रिभुज के आकार में था। इससे यह समझ में आता है कि यह शेक्सपियर काल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि यह पुरातात्विक आकार से बाहर नहीं आ जाते। हमें नकली प्रतिस्पर्धा के खतरे आंशिक रूप से समझा सकते हैं कि सिलिकॉन वैली में एक क्षमता वाले व्यक्ति आज क्यों लाभ में है। यदि आप सामाजिक संकेतों के प्रति कम संवेदनशील हैं, तो आप अपने आसपास के हर किसी के समान काम करने की संभावना को कम करते हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बनाने में रुचि रखते हैं, तो आप उन गतिविधियों को अकेले आगे बढ़ाने से डरेंगे और इस तरह आप अविश्वसनीय रूप से अच्छा बनेंगे। फिर जब आप अपने कौशल से कुछ शुरू करते हैं, तो आप दूसरों के मुकाबले अपनी संभावना को कम मांगते हैं। इससे आपको स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा करने वालों से बचाया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा लोगों को अवसर के प्रति भ्रमित करती है, जहां कोई भी अस्तित्व नहीं है। बूम 1990 के समय ऑनलाइन पालतू जानवरों के स्टोर बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। यह pets.com बनाम petstore.com बनाम petopia.com व और भी दर्जनों उदाहरण थे। प्रत्येक कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के साथ साथ खुद भी अपने काम के प्रति भ्रमित थी। कुत्ते के खिलौने ज्यादा मुनाफा दे रहे थे। कौन सर्वश्रेष्ठ सुपर बाउल विज्ञापन बना सकता है? ये कंपनियां पूरी तरह से इस सवाल में खो गई कि ऑनलाइन पालतू जानवर आपूर्ति बाजार सही जगह है भी या नहीं। जीतना हारने से बेहतर है, लेकिन जब कोई युद्ध लड़ने योग्य ही न हो तो हर कोई हार जाता है। इस .com दुर्घटना के बाद pets.com की $300 मिलियन निवेश पूंजी गायब हो गई। दूसरे समय में प्रतिद्वंदिता सिर्फ अजीब और विचलित थी। लैरी एलिसन ओरेकल के सह संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और टॉम साइबेल ओरेकल के टॉप सेल्समैन, जो 1993 में साइबेल सिस्टम स्थापना से पहले दोनों के बीच शेक्सपियर के द्वारा बताया गया संघर्ष चल रहा था। एलिसन का विश्वास साइबेल के विश्वासघात के बाद से उठ गया था। साइबेल अपने पूर्व मालिक की छाया से ही नफरत करता था। दो इंसान मूल रूप से समान और मेहनती थे, जो बेचने से प्यार व नुकसान से नफरत करते थे। इसलिए वे आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे। एलिसन और साइबेल ने 90 के दशक की दूसरी छमाही में एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की। एक समय तो
एलिसन ने सीविल के मुख्यालयों में आइसक्रीम सैंडविच के लोडेड ट्रक भेज दिए ताकि सीविल के कर्मचारियों को अपने लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश की जा सके। उनके रैपर पर लिखा था, गर्मी निकट है, ओरेकल यहां है, अपने करियर को उज्ज्वल करने के लिए आइए। आश्चर्यजनक रूप से ओरेकल ने जानबूझकर दुश्मनों को जमा किया। एलिसन का सिद्धांत यह था कि दुश्मन होना हमेशा के लिए अच्छा होता है, जब तक कि यह खतरनाक न दिखने लगे, जब तक कि कंपनी को धमकी देने जितना बड़ा न हो जाए। 1996 में इन्फॉर्मेटिक नामक एक छोटी डेटाबेस कंपनी ने ओरेकल के रेडवुड शोरेस मुख्यालय के पास एक बिलबोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, चेतावनी, डायनासोर क्रॉसिंग। उत्तर के बाउंड्री मार्ग पर एक और सूचना लिखी थी, आपने रेडवुड को पास किया है, जिसे हमने भी किया था। ओरेकल ने भी एक बिलबोर्ड लिखा था जो बताता था कि इन्फॉर्मेटिक का सॉफ्टवेयर घोंगे से भी धीमा था। फिर इन्फॉर्मिक सीईओ फिल वाइट ने व्यक्तिगत हमला करने का फैसला किया। जब वाइट ने जाना कि लैरी एलिसन ने जादुई सामुराई चलाना सीखा था, तो उसने ओरेकल के लोगों को एक टूटी हुई सामुराई तलवार के साथ चित्रित करने वाला एक नया बोर्ड लगवा दिया। यह विज्ञापन ओरेकल को एक कंपनी के रूप में भी नहीं मानता था, यह एलिसन पर व्यक्तिगत हमला था। लेकिन शायद वाइट ने प्रतियोगिता के बारे में चिंता करने में कुछ अधिक समय लगा दिया, वह बिलबोर्ड बनाने में व्यस्त था। तब इन्फॉर्मिक्स बड़े पैमाने पर अकाउंट घोटाले में फंस गया और वाइट ने जल्दी अपने आप को सिक्योरिटीज धोखाधड़ी के जुर्म में संघीय जेल में पाया। यदि आप प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सकते हैं तो विलय करना बेहतर हो सकता है। मैंने 1998 में अपने सह संस्थापक मैक्स लेविनिन के साथ कन्फिनिटी की शुरुआत की। जब हमने 1999 के अंत में पेपाल उत्पाद जारी किया तो एलन मस्क का x.com हमारी एडी तक था। हमारी कंपनियों के कार्यालय पालो आल्टो में यूनिवर्सिटी एवेन्यू के अलावा चार अन्य ब्लॉक में थे और एक्स के उत्पाद ने हमारे फीचर को प्रतिबिंबित किया है। 1999 के अंत तक हम पूरी तरह से युद्ध में थे। पेपाल में हम में से कई ने 100 घंटे तक साप्ताहिक काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह काम प्रतिकूल था। इनका फोकस उद्देश्य पर नहीं बल्कि x.com को हराने पर था। हमारे इंजीनियरों में से एक ने वास्तव में इस उद्देश्य के लिए एक बम तैयार किया था। जब उन्होंने एक टीम मीटिंग में इसे योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया, तब पता चला कि उनकी अत्यधिक नींद की कमी का कारण क्या था। लेकिन फरवरी 2000 में एलन और मैं तेजी से बढ़ते तकनीकी बूम के बुलबुले से डर गए थे। हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि एक वित्तीय दुर्घटना हम दोनों को हमारी लड़ाई खत्म होने से पहले ही बर्बाद कर देगी। हम मार्च के शुरू में एक कैफे में मिले जो लगभग हमारे कार्यालयों के पास ही था। तब हमने 50-50% पर विलय की बातचीत की। प्रतिद्वंदिता के कारण विलय से पहले अपने आप को कम आंकना आसान नहीं था, लेकिन जहां तक बात समस्याओं की थी उनके चलते यह अच्छा था। हम संयुक्त टीम के रूप में .com दुर्घटना से बाहर निकलने और फिर से एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब रहे। कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है, आपको लड़ना और जीतना चाहिए, कोई और विकल्प नहीं है और न ही आप इसमें कोई दांव चल सकते। तो कड़ी मेहनत करें और इसे जल्दी खत्म करें। इस सलाह का पालन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका गर्व और सम्मान रास्ते में आ सकता है। महानता का मतलब है कि अंडे के छिलके सरीखे कारणों के लिए भी इच्छा से लड़ना। चीजों के लिए कोई भी लड़ता है। सच्चे हीरो अपने व्यक्तिगत सम्मान को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वे उन चीजों के लिए लड़ेंगे जिनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दोहरा तर्क मानव प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन यह व्यापार में विनाशकारी है। यदि आप प्रतिस्पर्धा को एक विनाशकारी फोर्स के रूप में देखते हैं तो आप अधिक समझदार हैं। अगला अध्याय एक मोनोपोली व्यवसाय बनाने के लिए स्पष्ट सोच विकसित करने के बारे में है। धन्यवाद। हिंदी ऑडियो बुक .com
आइए चलते हैं अध्याय 5 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 5 अंतिम लाभ hindiaudiobook.com। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता आपको एकाधिकार प्रदान करती है, लेकिन भविष्य में एकाधिकार यानी मोनोपोली ही एक महान व्यवसाय है। ट्विटर के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी के मूल्य की तुलना करें। दोनों कुछ हजार लोगों को रोजगार देते हैं और लाखों लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं, लेकिन जब ट्विटर 2013 में सार्वजनिक हुआ तो इसका मूल्य $24 अरब था, जो टाइम्स के बाजार पूंजीकरण के मुकाबले 12 गुना अधिक। हालांकि टाइम्स ने 2012 में $133 मिलियन कमाए, जबकि ट्विटर ने पैसा खो दिया। ट्विटर के लिए विशाल प्रीमियम क्या बताता है? जवाब कैश फ्लो है। यह पहली नजर में विचित्र लगता है कि टाइम्स लाभ में था जबकि ट्विटर घाटे में था, लेकिन भविष्य के एक महान व्यवसाय को कैश फ्लो उत्पन्न करने की क्षमता वाले के रूप में परिभाषित किया जाता है। निवेशकों को उम्मीद है कि अगले दशक में ट्विटर मोनोपोली लाभ हासिल करेगा, जबकि समाचार पत्रों की मोनोपोली के दिन खत्म हो गए। कहा गया है कि आज के व्यापार का मूल्य भविष्य के कमाए गए सारे धन का योग है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की तुलना में कम विकास करने वाले व्यवसायों और उच्च वृद्धि करने वाले स्टार्टअप के बीच का अंतर सबसे महत्वपूर्ण है। कम वृद्धि करने वाले व्यवसायों का अधिकांश मूल्य निकट अवधि में है। एक पुराना इकोनॉमिक बिजनेस अपने करंट कैश फ्लो को 5 या 6 साल तक बनाए रख सकता है, हालांकि करीबी फर्म को इसके मुनाफे में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। नाइट क्लब्स या रेस्तरा इसके अच्छे उदाहरण हैं। इनमें सफल लोग आज धन एकत्र कर सकते हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में उनके कैश फ्लो शायद कम हो जाएंगे, जब ग्राहक नए और ट्रेंड रियर विकल्पों की ओर मुड़ जाते हैं। प्रौद्योगिकी कंपनियां अपोजिट ट्रांजेक्टरी का प्रयोग करती है। वे अक्सर पहले कुछ वर्षों के लिए नुकसान सहती है। वैसे भी मूल्यवान चीजों को बनाने में समय लगता है और इसका मतलब रेवेन्यू में देरी है। अधिकांश तकनीकी कंपनियों का मूल्य भविष्य में कम से कम 10 से 15 वर्ष तक लाभ कमाने लगेगा। मार्च 2001 में पेपॉल ने अभी तक लाभ नहीं कमाया था, लेकिन हमारे रेवेन्यू सालाना 100% तक बढ़ रहे थे। जब मैंने अपने भविष्य के कैश फ्लो का अनुमान लगाया तो मैंने पाया कि कंपनी का वर्तमान मूल्य 75%, जो कि साल 2011 और उसके बाद में उत्पन्न मुनाफे से होगा, और मुश्किल से केवल 27 महीनों के लिए कारोबार में रहने वाली कंपनी के लिए यह विश्वास करना कठिन था। लेकिन यह कम आंकलन के रूप में सामने आया। आज पेपाल सालाना लगभग 15% की दर से आगे बढ़ता जा रहा है, जो एक दशक पहले के डिस्काउंट रेट से कम है। अब यह प्रतीत होता है कि कंपनी का अधिकांश मूल्य 2020 और इसके बाद आएगा। लिंक्डइन एक ऐसी कंपनी का अच्छा उदाहरण है जिसका मूल्य दूर भविष्य में मौजूद है। 2014 की शुरुआत में इसका बाजार पूंजीकरण $24.5 बिलियन था, जो कि $1 अरब से कम रेवेन्यू वाली कंपनी के लिए बहुत अधिक था, और जिसकी 2012 में शुद्ध आय केवल $21.6 मिलियन थी। आप इन नंबरों को देख सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निवेशक क्रेजी हो गए हैं। लेकिन जब आप लिंक्डइन के अनुमानित फ्यूचर कैश फ्लो पर विचार करते हैं तो यह मूल्यांकन समझ में आता है। भविष्य के मुनाफे का महत्व सिलिकॉन वैली में भी अनुमानित है। एक कंपनी के मूल्यवान होने के लिए इसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कई उद्यमी केवल अल्पकालीन विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके पास यह बहाना होता है कि विकास को मापना आसान है, लेकिन स्थायित्व को मापा नहीं जा सकता। जो साप्ताहिक आंकड़ों, मासिक राजस्व लक्ष्यों और त्रैमासिक कमाई रिपोर्ट से ही प्रभावित रहते हैं। हालांकि आप उन संख्याओं को अनदेखा कर सकते हैं, कठिन से कठिन समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं जो आपके व्यवसाय के स्थायित्व को खतरे में डाल देती हैं। उदाहरण के लिए, लंबी अवधि की चुनौतियों से
जिंगा व ग्रुपन प्रबंधकों और निवेशकों दोनों ने तेजी से अल्पकालीन वृद्धि की है। जिंगा ने फार्म विले जैसे खेलों के साथ शुरुआती जीत दर्ज की और नई रिलीज को गहराई से और नई रिलीज को साइकोमेट्रिक इंजन बनने का दावा किया, लेकिन हॉलीवुड स्टूडियो के सामने समान समस्या के साथ दोनों समाप्त हो गए। आप विकृत श्रोताओं के लिए लोकप्रिय मनोरंजन की लगातार स्ट्रीम कैसे बना सकते हैं कोई भी नहीं जानता। ग्रुपन ने सैकड़ों हजारों स्थानीय व्यवसायों के बीच तेजी से विकास किया, लेकिन उन ग्राहकों के रिपीट ग्राहक बनने के लिए ग्राहक को राजी करना उनके विचार से कठिन था। यदि आप अन्य सभी को छोड़ निकट अवधि के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह करना चाहिए, क्या यह व्यवसाय अभी भी एक दशक तक चलेगा? अकेले नंबर आपको जवाब नहीं देंगे, इसके बजाय आपको अपने व्यापार की गुणात्मक विशेषताओं के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। मोनोपोली की विशेषताएं। भविष्य में बहुत बड़े कैश फ्लो वाली कंपनी किस तरह दिखती है? प्रत्येक मोनोपोली यूनिक है, लेकिन उनमें आमतौर पर कुछ सांझी विशेषताएं होती है, जैसे मालिकाना टेक्नोलॉजी, नेटवर्क प्रभाव, अर्थव्यवस्था के पैमाने और ब्रांडिंग। व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई भी सूची नहीं होती, वह मोनोपोली के लिए भी कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है। हालांकि आगे बताई गई विशेषताओं के अनुसार आप अपने व्यवसाय का विश्लेषण करके इसे टिकाऊ बनाने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। पहला, मालिकाना प्रौद्योगिकी। मालिकाना टेक्नोलॉजी कंपनी के पास सबसे वास्तविक लाभ होती है, क्योंकि यह आपके उत्पाद की नकल को मुश्किल या कहें असंभव बनाती है। उदाहरण के लिए, गूगल की सर्च एल्गोरिदम किसी और के मुकाबले बेहतर परिणाम देता है, बेहद कम समय में पेज लोड व अत्यधिक सटीक ऑटो सर्च परिणाम देने वाली टेक्नोलॉजी उत्पाद को मजबूती और रक्षाशीलता प्रदान करती है। किसी और के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, जो साल 2000 के दशक में गूगल ने अन्य सभी सर्च इंजन कंपनियों के साथ किया। थंब रूल के अनुसार बेहतर मोनोपोली के लिए मालिकाना टेक्नोलॉजी अपने निकटतम विकल्प से कम 10 गुना बेहतर होती है। इसके अलावा किसी भी तकनीक में सुधार करके पाए गए परिणाम को विशेष रूप से पहले से भीड़ भरे बाजार में बेचना मुश्किल होगा। 10x यानी उत्कृष्ट परिणाम के लिए सुधार करने का सबसे स्पष्ट तरीका है कुछ नया आविष्कार करना। यदि आप एक मूल्यवान तकनीक बनाते हैं जो पहले से उपलब्ध न हो, तो मूल्य में सैद्धांतिक रूप से अनंत वृद्धि होगी, जैसे नींद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दवा या गंजेपन को दूर करने के लिए इलाज। निश्चित रूप से यह मोनोपोली बिजनेस बनाने में बेहतरीन कदम साबित होगा। या फिर आप पहले से उपलब्ध उत्पादों को मूल रूप से बेहतरीन बना दें, जो 10x तक बेहतर हो जाएं, तो आप अपने आप ही प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देते हैं। उदाहरण के लिए, पेपाल ने ईबे से कम 10 गुना बेहतर खरीदारी और बिक्री की। खरीदारी के लिए चेक भेजने और 7 से 8 दिनों तक सामान का इंतजार करने की व्यवस्था को पेपाल ने समाप्त कर दिया और अब खरीदारों को तुरंत भुगतान करने का विकल्प दिया। विक्रेताओं को तुरंत उनकी पेमेंट मिलने लगी और चेक के विपरीत उन्हें फंड जल्दी से और सही समय पर मिलने लगे। अमेज़न ने अपने पहले 10x सुधार को विशेष रूप से देखने योग्य बनाया। उन्होंने कम से कम 10 गुना किताबें किसी भी अन्य किताबों की दुकान से ज्यादा पेश की। 1995 से लॉन्च होते ही अमेज़न पृथ्वी की सबसे बड़ी किताबों की दुकान होने का दावा कर सकता था, क्योंकि खुदरा किताबों की दुकान के विपरीत अमेज़न 1 लाख किताबें बेच सकती है। अमेज़न को भौतिक रूप से किसी भी पुस्तक को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी कोई ग्राहक आपूर्तिकर्ता से पुस्तक का अनुरोध करता था, तो आपूर्तिकर्ता ग्राहक को सीधे पुस्तक भेज देता था। यह क्वांटम सुधार इतना प्रभावी था कि अमेज़न के आईपीओ आने से 3 दिन पहले एक बहुत ही दुखी बार्नेस एंड नोबल ने मुकदमा दायर किया और दावा किया था कि अमेज़न खुद को धोखे से बुक ब्रोकर कहता है।
आप बेहतर यूनिक डिजाइन के माध्यम से 10x सुधार भी कर सकते हैं। 2010 से पहले टेबलेट कंप्यूटिंग इतनी खराब थी कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इसका बाजार भी अस्तित्व में नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी टेबलेट पीसी संस्करण प्रोडक्ट को 2002 में और नोकिया ने 2005 में अपना इंटरनेट टेबलेट जारी किया, लेकिन उन्हें उपयोग करना किसी दर्द से कम नहीं था। तब एप्पल ने आईपैड जारी किया। डिजाइन सुधारों को मापना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एप्पल कम से कम इस परिणाम को बेहतरीन तरीके से पेश कर पाया और टेबलेट अनुपयोगी से उपयोगी हो गया। दूसरा, नेटवर्क प्रभाव। नेटवर्क इफेक्ट उत्पाद को अधिक उपयोगी बनाते हैं क्योंकि अधिक लोग इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके सभी मित्र फेसबुक पर हैं, तो आपके लिए फेसबुक में शामिल होने के लिए समझ में आता है। अलग सोशल नेटवर्क चुनने से आप अकेले ही रह जाते हैं। नेटवर्क इफेक्ट शक्तिशाली भी हो सकते हैं जब तक नेटवर्क आवश्यक रूप से बड़ा नहीं हो और आपका उत्पाद अपने पहले उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्यवान न हो। उदाहरण के लिए, 1960 में जनडू नामक एक क्विकसोटी कंपनी ने सभी कंप्यूटरों के बीच एक दो तरफा संचार नेटवर्क बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रारंभिक सिंक्रोनिक संस्करण 3 दशकों से अधिक व्यर्थ प्रयासों के बाद जेनेडू सामान्य रूप से बदल गया, जैसे वेब आम हो गया था। उनकी तकनीक शायद एक पैमाने पर काम करेगी, लेकिन यह केवल उसी पैमाने पर काम कर सकती थी। इसके लिए हर कंप्यूटर को एक ही समय में नेटवर्क में जोड़ने की आवश्यकता होती थी और यह कभी नहीं होने वाला था। विरोधाभासी रूप में नेटवर्क प्रभाव व्यवसायों को विशेष रूप से छोटे बाजारों से शुरू होना चाहिए, जैसे फेसबुक ने हार्वर्ड के छात्रों के साथ शुरुआत की। मार्क जुकरबर्ग का पहला उत्पाद पृथ्वी के सभी लोगों को जोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि अपने सभी सहपाठियों को साइन अप करने के लिए डिजाइन किया गया था। यही कारण है कि एमबीए द्वारा सफल नेटवर्क व्यवसायों को शायद ही कभी शुरू किया जाता है। प्रारंभिक बाजार इतने छोटे होते हैं कि वे अक्सर व्यावसायिक अवसर भी नहीं दिखते हैं। तीसरा, स्केल की अर्थव्यवस्थाएं। मोनोपोली व्यवसाय तब मजबूत होता है जब यह बड़ा होता है। कभी कभी उत्पाद बनाने की निश्चित लागत बिक्री से अधिक भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप विशेष रूप से अर्थव्यवस्थाओं का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उत्पाद की दूसरी कॉपी बनाने की सीधी लागत शून्य होती है। कई व्यवसाय बड़े पैमाने पर बढ़ने के साथ सीमित फायदे प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से सेवा व्यवसाय में मोनोपोली बनाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास योग स्टूडियो है, तब आप केवल कुछ निश्चित ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम होंगे। आप अधिक प्रशिक्षकों को नौकरी पर रख सकते हैं और अधिक स्थानों पर विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके मार्जिन काफी कम हो जाएंगे और आप कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां प्रभावशाली लोगों का एक कोर समूह है, लाखों अलग अलग ग्राहकों की सेवा कर सकता है। यह काम करने में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सक्षम है। एक अच्छे स्टार्टअप में अपने पहले ही डिजाइन में बड़े पैमाने पर निर्मित होने की क्षमता होनी चाहिए। ट्विटर पर पहले से ही 250 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। हालांकि अधिक हासिल करने के लिए इसे बहुत अधिक फीचर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई कारण नहीं दिखता है कि इसे बढ़ना बंद कर देना चाहिए। चौथा, ब्रांडिंग। परिभाषा के अनुसार एक कंपनी का अपने ब्रांड पर मोनोपोली होता है, इसलिए एक मजबूत ब्रांड बनाना मोनोपोली का दावा करने का एक शक्तिशाली तरीका है। आज का सबसे मजबूत तकनीकी ब्रांड है एप्पल। आईफोन और मैकबुक जैसे उत्पादों की आकर्षक दिखने और ध्यान से चुनी गई सामग्री, एप्पल स्टोर का चिकना डिजाइन और उपभोक्ता अनुभव पर करीबी नियंत्रण, सर्वव्यापी विज्ञापन अभियान, प्रीमियम निर्माता के रूप में मूल्य निर्धारण और स्टीव जॉब का व्यक्तिगत करिश्मा, सभी एक धारणा में योगदान देते हैं कि एप्पल अपने उत्पादों की उत्कृष्ट श्रेणी बनाने के लिए इतना अच्छा योगदान देता है। कई ने एप्पल की सफलता से सीखने की कोशिश की है। भुगतान विज्ञापन, ब्रांडेड स्टोर्स,
शानदार सामग्री, उच्च कीमतें और यहां तक कि न्यूनतम डिजाइन की भी नकल। लेकिन सतह को चमकाने के लिए ये तकनीक मजबूत आंतरिक इच्छा के बिना काम नहीं करती है। एप्पल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकियों का एक जटिल योग है। यह उन सामग्रियों को उचित पैमाने पर निर्माण करता है जिससे इसके खरीदारों के लिए मूल्य निम्न हो जाता है और या अपने मजबूत नेटवर्क प्रभाव का आनंद लेता है। हजारों डेवलपर्स एप्पल उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं क्योंकि इसके सैकड़ों लाख उपयोगकर्ता हैं और वे उपयोगकर्ता हर समय नए एप्स की खोज करते रहते हैं। ये अन्य मोनोपोली लाभ एप्पल के स्पार्कलिंग ब्रांड की तुलना में कम स्पष्ट है, लेकिन मूलभूत सिद्धांत ही ब्रांडिंग को एप्पल की मोनोपोली को प्रभावी ढंग से मजबूत करते हैं। उत्पाद के बजाय ब्रांड के साथ शुरुआत खतरनाक है। जब से मारिशा मेयर याहू की सीईओ बनी है 2012 के मध्य में, उन्होंने इसे एक बार फिर से इंटरनेट पर लोकप्रिय बनाया और इसे पुनर्जीवित करने के लिए काम किया है। एक ही ट्वीट में याहू ने मेयर की योजना का सारांश बता दिया। यूजर के बाद उत्पाद, उत्पाद के बाद ट्रैफिक और ट्रैफिक के बाद रेवेन्यू। याहू ने अपने लोगों को डिजाइन जागरूकता का प्रदर्शन किया। इसने टम्बलर जैसे हॉट स्टार्टअप शुरू करके युवा प्रासंगिकता व्यक्त की और इसने मेयर की अपने स्टार पावर के लिए मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन से उत्पाद वास्तव में याहू को याहू बनाते हैं। जब स्टीव जॉब एप्पल लौट आए तो उन्होंने एप्पल को काम करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं बनाई। उन्होंने 10x सुधारों के मुट्ठी भर अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्पाद लाइनों को घटा दिया। अकेले ब्रांडिंग पर कोई भी प्रौद्योगिकी कंपनी नहीं बनाई जा सकती है। एक मोनोपोली का निर्माण। ब्रांड, स्केल, नेटवर्क प्रभाव और टेक्नोलॉजी संयुक्त रूप से मोनोपोली को परिभाषित करती है, लेकिन इसके काम करने के लिए आपको अपने बाजार को ध्यान से चुनने और जानबूझकर इसके विस्तार की जरूरत है। छोटी मोनोपोली शुरू करो। शुरुआत में प्रत्येक स्टार्टअप छोटा होता है। प्रत्येक मोनोपोली बाजार के एक बड़े हिस्से पर हावी है, इसलिए प्रत्येक स्टार्टअप को बहुत छोटे बाजार से शुरू करना चाहिए। कारण सरल है, एक बड़े बाजार की तुलना में एक छोटे बाजार पर हावी होना आसान है। यदि आपको लगता है कि आपका प्रारंभिक बाजार बहुत बड़ा हो सकता है तो यह लगभग निश्चित रूप से है। छोटे का मतलब महत्वहीन नहीं है। हमने इसका पेपाल में जल्दी प्रयोग किया था। हमारा पहला उत्पाद लोगों को पाम पेलोट के माध्यम से एक दूसरे को पैसे भेजने में मदद करता था। यह दिलचस्प तकनीक थी और कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। हालांकि दुनिया के लाखों पाम पेलोट उपयोगकर्ता किसी विशेष स्थान पर केंद्रित नहीं थे, उनके पास यह बहुत कम उपयोगी भी था और वे अपने उपकरणों का कभी कभी उपयोग करते थे। किसी को भी हमारे उत्पाद की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमारे पास कोई ग्राहक भी नहीं था। उस सबक के साथ हमने ईबे पर अपनी जगह तय की, जहां हमें हमारी पहली सफलता मिली। 1999 के अंत में ईबे के पास कुछ हजार हाई पावर सेलर थे और केवल 3 महीने के प्रयास के बाद हम उनमें से 25% की सेवा कर रहे थे। लाखों बिखरे हुए व्यक्तियों के ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने के बजाय वास्तव में हमारे उत्पाद की आवश्यकता वाले कुछ हजार लोगों तक पहुंचना बहुत आसान था। स्टार्टअप के लिए एकदम सही लक्ष्य बाजार विशेष रूप से केंद्रित लोगों का एक छोटा समूह है और जिनको कोई भी प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान नहीं कर रहा होता है। कोई भी बड़ा बाजार खराब विकल्प है और प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा पहले से ही पेश किया जाने वाला एक बड़ा बाजार भी बदतर है। यही कारण है कि यहां हमेशा खतरे का झंडा बुलंद रहता है। जब उद्यमी 100 अरब डॉलर के बाजार का 1% प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं, व्यवहारिक रूप से एक बड़े बाजार में या तो एक अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट की कमी होगी या फिर यह प्रतिस्पर्धा के लिए खुलेगा। इसलिए
कभी भी 1% तक पहुंचना मुश्किल है। और यहां तक कि यदि आप एक छोटे से लाभ को प्राप्त करने में सफल हो भी जाते हैं तो आपको केवल इसकी रोशनी से संतुष्ट होना होगा। गला काट प्रतियोगिता का मतलब है कि आपका मुनाफा शून्य है। स्केलिंग अप, आनुपातिक रूप से बढ़ें। एक बार जब आप अपना बाजार बनाते हैं और उस पर हावी हो जाते हैं तो आपको धीरे धीरे इसका थोड़ा व्यापक बाजारों में विस्तार करना चाहिए। अमेज़न बताता है कि यह कैसे किया जा सकता है। जेफ बेजोस की संस्थापक दृष्टि कभी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं पर हावी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किताबों के साथ शुरुआत की। सूची में लाखों किताबें थी, लेकिन उनमें सभी का आकार लगभग समान था। वे शिप करने में आसान थी और कुछ सबसे दुर्लभ बेची जाने वाली किताबें कम से कम किसी भी खुदरा स्टोर में रखने से ज्यादा लाभदायक थी, जिसने और ग्राहकों को आकर्षित किया। अमेज़न एक किताबों की दुकान से दूर स्थित किसी के लिए या कुछ मंगाने के लिए प्रमुख समाधान बन गया। अमेज़न के पास दो विकल्प थे, पुस्तकों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या का विस्तार करें या समान बाजारों में विस्तार करें। उन्होंने बाद वाले बाजार विकल्पों को चुना, सीडी, वीडियो और सॉफ्टवेयर। अमेज़न ने तब तक चीजों को जोड़ना धीरे धीरे जारी रखा जब तक कि वह दुनिया की सामान्य दुकान नहीं बन गया। इसके नाम ने खुद को कंपनी की सेलिंग रणनीति को शानदार ढंग से एकीकृत कर दिया। अमेज़न ने अपने नाम के अनुरूप वर्षा वन की जैव विविधता की तरह ही दुनिया की हर किताब को सूचीबद्ध करने के अपने पहले लक्ष्य को पूरा किया और अब यह दुनिया की हर तरह की चीजों के लिए खड़ा है। ईबी ने भी छोटे बाजारों पर हावी होने से शुरुआत की जब 1995 में उसने अपने नीलामी बाजार को लॉन्च किया। इसे पूरी दुनिया को एक बार में अपनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसने बेनी बेबी जैसे तीव्र रुचि समूह के साथ अच्छा काम किया। एक बार जब इसकी बेनी बेबी व्यापार में मोनोपोली हो गई तो ईबे सीधे खिलौनाकारों या औद्योगिक मार्केट्स को सूचीबद्ध करने के लिए इसमें कूद नहीं गया। यह छोटे छोटे शौकियों को पूरा करता रहा जब तक कि यह ऑनलाइन व्यापार करने वाले लोगों के लिए सबसे विश्वसनीय बाजार न बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइटम क्या है। कभी कभी स्केलिंग अप के लिए छिपी बाधाएं भी होती है। हाल ही के वर्षों में ईबी ने सबक सीखा है। सभी बाजारों की तरह नीलामी बाजार खुद को प्राकृतिक मोनोपोली के लिए उधार देता है, क्योंकि खरीदार वहां जाते हैं जहां विक्रेता होते हैं, और इसके विपरीत भी सही है। लेकिन ईबे ने पाया कि नीलामी मॉडल सिक्के और टिकटों जैसे व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट उत्पादों के लिए सबसे अच्छा काम करता है। यह कमोडिटी उत्पादों के लिए कम काम करता है। लोग पेंसिल या क्लेनेक्स पर बोली नहीं लगाना चाहते, इसलिए उन्हें अमेज़न से खरीदना अधिक सुविधाजनक है। ईबे के पास अभी भी एक मूल्यवान मोनोपोली है। बाजार सही ढंग से और धीरे धीरे विस्तार करने के लिए अनुमति देता है। सबसे सफल कंपनियां ज्यादा प्रगति करती है। पहले एक विशिष्ट जगह पर हावी होती हैं और फिर समानांतर बाजारों के लिए स्केल अप करती है। उनके संस्थापक कहानी का एक हिस्सा होते हैं। डोंट डिस्टर्ब। सिलिकॉन वैली व्यवधान से भ्रमित हो गई है। मूल रूप से व्यवधान कला का एक शब्द है। यह वर्णन करने के लिए कि कैसे एक फर्म कम कीमत पर कम उत्पाद पेश करने के लिए नई तकनीक का उपयोग करती है, समय के साथ उत्पाद को बेहतर बना सकती है और अंततः पुरानी तकनीक का उपयोग कर मौजूदा कंपनियों द्वारा पेश प्रीमियम उत्पादों से टक्कर ले सकती है। यह लगभग तब हुआ जब पीसी के आगमन ने मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए बाजार में बाधा डाली। पहले पीसी अप्रासंगिक लग रहे थे, फिर वे प्रभावी हो गए। आज मोबाइल डिवाइस पीसी के लिए यही काम कर रहे हैं। हालांकि व्यवधान ने हाल ही में नई रूप में प्रस्तुत किसी भी चीज के लिए एक बजवर्ड में ट्रांसमो गिफ्ट हो गया है। यह प्रतीत होता है कि यह मामूली मायने रखता है, क्योंकि यह एक एंटरप्रेन्योर की आत्म समझ को स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी तरीके से खराब करता है। इस अवधारणा को मौजूदा कंपनियों के लिए
खतरों का वर्णन करने के लिए तैयार किया गया है। इसलिए स्टार्टअप व्यवधान का मतलब है कि वे खुद को पुरानी फर्मों की आंखों के माध्यम से देखते हैं। यदि आप अपने आप को अनदेखी फोर्स से लड़ने वाला सोचते हैं तो अपने रास्ते में आने वाली अनावश्यक बाधाओं को पार करना आसान है। लेकिन यदि आप वास्तव में कुछ नया बनाना चाहते हैं तो सृजन का कार्य पुराने उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो शायद आपके द्वारा बनाए गए उत्पादों को पसंद न करे। दरअसल अगर आपकी कंपनी को पहले से ही मौजूदा फर्मों के विरोध का सामना करना पड़ता है तो यह पूरी तरह से नया नहीं हो सकता, शायद यह मोनोपोली बनने वाली भी नहीं है। व्यवधान भी ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे शरारती लोग भी हैं जो परेशानी की तलाश करते हैं और फिर इसे पा लेते हैं। शरारती बच्चे प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजे जाते हैं। शरारती कंपनियां अक्सर झगड़े चुनती हैं जिन्हें वे जीत भी नहीं सकती। नेपस्टर के बारे में सोचें, यह नाम ही परेशानी का मतलब था। नेपस्टर के तत्कालीन किशोर संस्थापक शॉन फेनिंग और शान पार्कर ने 1999 में शक्तिशाली संगीत रिकॉर्डिंग उद्योग को बाधित करने की धमकी दी। अगले वर्ष उन्होंने टाइम्स पत्रिका के कवर पर भी जगह पा ली। इसके 1.5 साल बाद उन्हें अदालत में दिवालिया घोषित कर दिया गया। पेपाल को विघटनकारी के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन हमने किसी भी बड़े प्रतिद्वंदी को सीधे चुनौती देने की कोशिश नहीं की। यह सच है कि हमने इंटरनेट भुगतान के लिए वीजा के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया। आप अपने वीजा कार्ड के उपयोग के बजाय ऑनलाइन खरीदने के लिए पेपाल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने कुल भुगतान के लिए बाजार का विस्तार किया, इसलिए हमने वीजा को हमारे मुकाबले ज्यादा व्यवसाय दिया। यूएस रिकॉर्डिंग उद्योग के साथ नेपस्टर के नेगेटिव संघर्ष के विपरीत हमारा संघर्ष समग्र, गतिशील और शुद्ध सकारात्मक था। जैसे ही आप अपने समकक्ष बाजारों में विस्तार करने की योजना तैयार करते हैं तो बाधित न हो और न किसी को करें, यथासंभव प्रतिस्पर्धा से बचें। जो डटेगा वही कमाएगा। आपने शायद पहले लाभ के बारे में सुना होगा। यदि आप बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए महत्वपूर्ण बाजार की हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहले चलना एक रणनीति है, लक्ष्य नहीं। वास्तव में भविष्य में नगद फ्लो पैदा करना क्या मायने रखता है? आखिरी प्रेरक बनना बेहतर है, अर्थात एक विशिष्ट बाजार में आखिरी महान विकास करने के लिए और वर्षों या यहां तक कि दर्शकों के मोनोपोली लाभ का आनंद लेना बेहतर होता है। ऐसा करने का तरीका एक महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन दृष्टि की ओर एक छोटे से बाजार पर हावी होना और वहां से आगे बढ़ना है। कम से कम इसमें व्यवसाय शतरंज की तरह है। ग्रैंड मास्टर जोसे राउल ने इसे अच्छी तरह से कहा है, सफल होने के लिए आपको सब कुछ से पहले यानी एंड गेम, अपने ऊपर होने वाले आखिरी हमले का अध्ययन करना होगा। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 6 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 6। आप एक लॉटरी टिकट नहीं है। hindiaudiobook.com। व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सफलता भाग्य या कौशल से आती है? सफल लोग क्या कहते हैं? सफल लोगों के बारे में लिखने वाले एक लेखक मेलकम ग्लेडवेल ने आउटलायर्स में घोषणा की कि भाग्य और उसके फायदे सफलता का परिणाम है। वॉरेन बफेट ने खुद को भाग्यशाली क्लब के सदस्य और जेफ बेजोस अमेजन की सफलता को अविश्वसनीय ग्राहकों के कारण और चुटकुला कहते हुए कहते हैं कि इसके लिए आधा भाग्य, आधा समय और बाकी दिमाग उत्तरदायी था। बिल गेट्स दावा करते हैं कि वह भाग्यशाली था, इसी कौशल के साथ पैदा हुआ था। शायद यह स्पष्ट नहीं है कि यह वास्तव में संभव है या नहीं। शायद ये लोग रणनीतिक रूप से विनम्र थे। हालांकि क्रमबद्ध एंटरप्रेन्योरशिप की घटना
सफलता की व्याख्या करने की हमारी प्रवृत्ति पर सवाल उठाने लगती है। सैकड़ों लोगों ने कई मिलियन डॉलर के व्यवसाय शुरू किए, लेकिन इनमें से कुछ ही मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना पाई, जैसे स्टीव जॉब्स, जैक डोरेस और एलन मस्क आदि। अगर सफलता ज्यादातर भाग्य के कारण मिलती तो शायद इस प्रकार के उद्यमियों का अस्तित्व ही नहीं होता। जनवरी 2013 में ट्विटर और स्क्वायर के संस्थापक जैक डोरेस ने अपने 2 मिलियन फॉलोअर्स को ट्वीट किया, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। अधिकांश जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक थे। द अटलांटिक में ट्विटर का संदर्भ देते हुए रिपोर्टर एलेक्सिस मैड्रिगल ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था कि बहुत से इंग्लिश पुरुषों ने कहा, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती है। यह सच है कि पहले से ही सफल लोगों के पास नई चीजें करने के लिए समय, नेटवर्क, धन और अनुभव है, लेकिन शायद हमने उन्हें खारिज करने में बहुत जल्दी कर दी जो अपनी योजना के अनुसार सफल हुए हैं। क्या इस बहस को निष्पक्ष रूप से सुलझाने का कोई तरीका है? दुर्भाग्य से कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कंपनियां एक्सपेरिमेंट नहीं है। उदाहरण के लिए, हमें फेसबुक के बारे में साइंटिफिक उत्तर पाने के लिए 2004 में पीछे जाना होगा और दुनिया की 1000 कॉपी बनानी होगी और प्रत्येक कॉपी में फेसबुक को फिर से शुरू करना होगा ताकि यह देखा जाए कि यह कितनी बार सफल होगा। लेकिन यह प्रयोग असंभव है। प्रत्येक कंपनी अद्वितीय परिस्थितियों में शुरू होती है और हर कंपनी केवल एक बार शुरू होती है। जब सैंपल एक होता है तो आंकड़े काम नहीं करते। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञान के पुनर्जागरण के साथ किस्मत को महारत, प्रभुत्व और नियंत्रित करने वाली माना जाती थी। हर कोई इस बात पर सहमत था कि आपको वह करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित न करें जो आप नहीं कर सकते। राल्फ वाल्डो इमर्शन ने इस प्रकृति पर लिखा है, कमजोर इंसान भाग्य और परिस्थितियों में विश्वास करते हैं और मजबूत इंसान कारण और प्रभाव में विश्वास करते हैं। 1912 में उसके बाद दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले खोजकर्ता रोल्ड अमुंडसेन ने लिखा, विजय उनका इंतजार कर रही है जिनके पास कुछ करने का हौसला है, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। कोई भी कह सकता है कि दुर्भाग्य मौजूद नहीं था, लेकिन पहले की पीढ़ियों ने अपना भाग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत में विश्वास किया। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बस एक करिश्माई घटना से बदलने वाला है, तो इस पुस्तक को क्यों पढ़ा जाए? यदि आप लॉटरी जीतने वाले लोगों के बारे में कहानियां पढ़ रहे हैं तो स्टार्टअप के बारे में सीखना बेकार है। कहानियां आपको बता सकती है कि उन्होंने अपने जादुई कर्तव्य कैसे किए, लेकिन यह नहीं बता सकती कि कैसे जीता जाए। जब हम इस तरह के ऐतिहासिक प्रश्नों पर बहस करते हैं तो भाग्य को भूतकाल में दर्शाया जाता है। भविष्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या यह डिजाइन और चांस का मामला है? क्या आप अपना भविष्य नियंत्रित कर सकते हैं? आप भविष्य को स्थिर मानते हैं या अनिश्चित? यदि आप भविष्य को मानते हैं तो इसे आप समझने और आकार देने के लिए पहले से ही काम पर लगे होंगे, लेकिन अगर आप भविष्य को अनिश्चित समझते हैं तो आप इसे आकार देने की कोशिश करना छोड़ देंगे। भविष्य के अनिश्चित दृष्टिकोण बताते हैं कि आज हमारी दुनिया में सबसे अधिक निष्क्रिय क्या है। जब लोगों के पास ठोस योजनाओं की कमी होती है तो वे विभिन्न विकल्पों के पोर्टफोलियो इकट्ठा करने के लिए औपचारिक नियमों का उपयोग करते हैं। यह आज के अमेरिकियों के व्यवहार का वर्णन करता है। मिडिल स्कूल में हमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाई स्कूल में महत्वाकांक्षी छात्र सब कुछ जानने के लिए और भी कठिन प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब तक एक छात्र कॉलेज जाता है तब तक वह एक दशक में पूरी तरह से अज्ञात भविष्य के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार विशेष रूप से कुछ भी नहीं बनता।
इसके विपरीत एक दृढ़ संकल्पवान इंसान अनेक तरफ ध्यान भटकाने की बजाय एक लक्ष्य चुनता है। कुछ अलग करने के लिए अथक काम करने की बजाय वह एक मोनोपोली बनाने का वास्तविक प्रयास करता है। युवा लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके चारों ओर हर कोई एक निश्चित दुनिया में विश्वास खो चुका है। इसलिए कोई भी केवल एक विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शिक्षा नहीं ले रहा है, वह तो बस विकल्पों को चमड़े की गेंद की तरह लपकता है और इसके बाद दूसरे विकल्प आने पर पहले को छोड़ उसे लपकने के चक्कर में रहता है। आप भविष्य के बेहतर या बदतर होने की कल्पना कर सकते हैं। आशावादी लोग भविष्य का स्वागत करते हैं और निराशावादी से डरते हैं। इन सभी संभावनाओं को देखने के बाद चार प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पहला, अनिश्चित निराशावाद। प्रत्येक संस्कृति में और पूरे इतिहास में कुछ स्वर्ण युग और लगभग सभी लोगों की अवनति की व निराशावाद की कहानियां होती है। आज भी निराशावाद दुनिया के विशाल हिस्सों पर हावी है। गंभीर निराशावादी समय में भी एक उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हमें पता नहीं कि इसे कैसे पहचाना जाए। यह यूरोप के 1970 के दशक का वर्णन करता है, जब महाद्वीप अप्रत्यक्ष नौकरशाही का शिकार हो गया। आज पूरा यूरोजोन धीमी गति से संकट में जा रहा है और इसका कोई भी वारिश नहीं है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक सुधार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। यूएस ट्रेजरी ने डॉलर पर ईश्वर में हमें विश्वास है प्रिंट किया है। ईसीबी यूरो पर किक द कैन डाउन द रोड भी प्रिंट कर सकता है। यूरोपियन लोग घटनाओं पर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वे उम्मीद करते हैं कि चीजें और भी अधिक खराब होने जा रही हैं। अनिश्चित निराशावादी यह नहीं जान सकते कि अपरिहार्य गिरावट तेज होगी या धीमी, विनाशकारी होगी या क्रमिक होगी। जो भी कुछ कर सकता है वह बस इसके होने का इंतजार कर रहा है। इसलिए वह इस दौरान खा सकता है, पी सकता है और आनंद ले सकता है। असीम निराशावाद। निश्चित निराशावादी मानते हैं कि भविष्य और भी गहरा हो सकता है, लेकिन चूंकि यह अंधकार में होगा इसलिए उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। शायद आश्चर्य की बात यह है कि चीन आज दुनिया में सबसे निश्चित निराशावादी जगह है। जब अमेरिकी देखते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आत्मविश्वासी देश अपने भविष्य को संवारने में महारत हासिल कर रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन अभी भी भविष्य को लेकर आशावादी है और यह मानते हैं कि चीन पर अपने आशावाद को थोप सकते हैं। चीन के दृष्टिकोण से आर्थिक विकास पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा है। हर किसी दूसरे देश को डर है कि चीन का व्यापार दुनिया भर में फैल रहा है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो डरता नहीं है। चीन का प्रारंभिक आधार बहुत कम है, इसलिए वह तेजी से बढ़ सकता है। चीन के बढ़ने का सबसे आसान कारण है कि वह वही काम करे जो पश्चिम पहले से ही कर चुका है, और यह वही है जो चीन कर रहा है। अधिक कारखानों और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण के लिए और अधिक कोयला जलाना व वैसे ही निश्चित योजनाओं को लागू करना। लेकिन चीन की बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी होना, जिससे अमीर देशों के जीवन स्तर की बराबरी करना चीन के लिए आसान नहीं है, और चीनी इसे जानते हैं। यही कारण है कि चीनी नेतृत्व चीजों के बदतर होने को लेकर आतंकित है। प्रत्येक वरिष्ठ चीनी नेता ने अपने बचपन में अकाल का अनुभव किया है, इसलिए जब पोलित ब्यूरो भविष्य को देखता है जिसमें आपदा से इनकार नहीं किया जा सकता, चीनी जनता भी जानती है कि बाहरी लोगों को चीन में लाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन वे उन अमीर चीनी लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो देश से बाहर अपना निवेश भेज रहे हैं। गरीब चीनी वे सब कुछ बचा सकते हैं जिसकी वे आशा करते हैं कि उनके लिए पर्याप्त होगा। चीन में हर वर्ग के लोग
भविष्य के घातक परिणामों को लेकर गंभीर है। अनंत आशावाद। एक निश्चित आशावादी का भविष्य उज्जवल होगा यदि उसके पास भविष्य की योजना है और वह इसे बेहतर बनाने के लिए काम करता है। 17वीं शताब्दी से 1950 और 60 के दशक तक निश्चित आशावादियों ने पश्चिमी दुनिया का नेतृत्व किया। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और व्यापारियों ने दुनिया को अमीर, स्वस्थ और पहले की कल्पना की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहने लायक बना दिया। जैसा कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 19वीं शताब्दी के बिजनेस क्लास को स्पष्ट रूप से देखा था। सभी पिछली पीढ़ियों की तुलना में इस पीढ़ी ने अधिक विशाल उत्पादक ताकतों का निर्माण किया। मानव, मशीनरी, उद्योग और कृषि, रसायन, नेविगेशन, रेलवे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, खेती के लिए पूरे महाद्वीपों का आपस में जुड़ाव, नदियों का कैनलाइजेशन, सामाजिक श्रम से पूरी आबादी के लिए प्रकृति की ताकतों को अधीन कर जनमानस के लिए उपयोगी बनाया है। प्रत्येक पीढ़ी के आविष्कारक और दूरदर्शी अपने पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ रहे थे। 1843 में लंदन के लोगों को एक नई खुदाई सुरंग द्वारा थेम्स नदी के नीचे अपना पहला क्रॉसिंग बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1869 में स्वेज नहर ने केप ऑफ गुड होप के दौर से यूरेशियन शिपिंग यातायात को बचाया। 1914 में पनामा नहर ने अटलांटिक से प्रशांत तक मार्ग कम कर दिया। यहां तक कि ग्रेट डिप्रेशन भी संयुक्त राज्य अमेरिका में निरंतर प्रगति में बाधा डालने में नाकाम रही, जो हमेशा दुनिया की सबसे दूर दराज के निश्चित आशावादियों का घर रहा है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1929 में शुरू हुई थी और 1931 में समाप्त हुई। गोल्डन गेट ब्रिज 1933 में शुरू हुआ और 1937 में पूरा हुआ। मैनहट्टन परियोजना के द्वारा जो 1941 में शुरू हुई वह 1945 तक दुनिया का पहला परमाणु बम तैयार कर चुका था। अमेरिकियों ने रीमेक करना जारी रखा। पे टाइम में दुनिया का चेहरा इंटरस्टेट राजमार्ग प्रणाली का 1956 में निर्माण शुरू किया और पहली 20,000 मील की सड़क 1965 तक ड्राइविंग के लिए खोल दी गई। असीमित योजना भी इस ग्रह की सतह से परे चली गई। नासा का अपोलो कार्यक्रम 1961 में शुरू हुआ और 1972 में समाप्त होने से पहले चंद्रमा पर इंसान को भेज चुका था। बड़ी योजनाएं सिर्फ राजनीतिक नेताओं या सरकारी वैज्ञानिकों के लिए आरक्षित नहीं थी। 1940 के उत्तरार्ध में जॉन रेबर नामक एक कैलिफोर्नियाई नागरिक ने पूरे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र की भौतिक भूगोल को फिर से बनाने की शुरू करने की तैयारी की। रेबर एक स्कूली शिक्षक, शौकिया रंगमंच निर्माता और एक सेल्फ मेड इंजीनियर था। प्रमाण पत्रों की कमी से अनजान उन्होंने सार्वजनिक रूप से खाड़ी में दो विशाल बांध बनाने, पीने के पानी और सिंचाई के लिए बड़े ताजे पानी की झीलों का निर्माण करने और विकास के लिए 20,000 एकड़ भूमि का पुनः उपजाऊ बनाने का प्रस्ताव रखा। भले ही उनके पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, फिर भी लोगों ने रेबर योजना को गंभीरता से लिया। कैलिफोर्निया में समाचार पत्र संपादकीय बोर्डों द्वारा इसका समर्थन किया गया था। अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी व्यवहार्यता पर सुनवाई की। आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स ने इसे अनुकरण करने के लिए एक गुफादार सालसीटो गोदाम में खाड़ी के 1.5 एकड़ के पैमाने का मॉडल भी बनाया। इन परीक्षणों ने तकनीकी कमियों का खुलासा किया, इसलिए योजना को पूरा नहीं किया गया था। लेकिन क्या आज कोई भी इस तरह की दृष्टि को गंभीरता से ले सकता है? 1950 के दशक में लोगों ने बड़ी योजनाओं का स्वागत किया और पूछा कि क्या वे काम करेंगी। आज एक स्कूली शिक्षक से आने वाली एक भव्य योजना क्रंकरी के रूप में खारिज कर दी जाएगी और किसी भी शक्तिशाली इंसान से आने वाली लंबी दूरी की दृष्टि को हैब्रिज के रूप में स्वागत करवाया जाएगा। आज अभी भी उस साल सिटी वेयर हाउस में बे मॉडल पर काम कर सकते हैं, लेकिन आज यह सिर्फ एक पर्यटन का आकर्षण है। भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं केवल पुरातन जिज्ञासा बनकर रह गई है। 1950 के दशक में
अमेरिकियों ने सोचा कि भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं वैज्ञानिकों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। अनिश्चित आशावाद। 1970 के दशक में एक संक्षिप्त निराशावादी चरण के बाद 1982 के बाद से अनिश्चित निराशावाद ने अमेरिकी सोच पर प्रभुत्व बनाए रखा। जब एक लंबा बुल बाजार शुरू हुआ और वित्त भविष्य में आने के लिए इंजीनियरिंग तरीके के रूप को ग्रहण कर रहा था, एक अनिश्चित आशावादी के लिए भविष्य बेहतर होगा, लेकिन वह नहीं जानता कि वास्तव में कैसे होगा, इसलिए वह कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाएगा। वह भविष्य से लाभ की उम्मीद करता है, लेकिन इसे ठोस रूप से डिजाइन करने का कोई कारण नहीं दिखता है। एक नया उत्पाद बनाने के लिए वर्षों काम करने के बजाय अनिश्चित आशावादी पहले से ही आविष्कार किए गए लोगों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। बैंकर पहले से ही मौजूद कंपनियों की पूंजी संरचनाओं को पुनर्व्यवस्थित करके पैसे कमाते हैं। वकील पुरानी चीजों पर विवादों को हल करते हैं या अन्य लोगों को उनके मामलों की संरचना में मदद करते हैं, और निजी इक्विटी निवेशक और प्रबंधन परामर्शदाता नए व्यवसाय शुरू नहीं करते हैं। वे लगातार प्रतिक्रियात्मक अनुकूलन के साथ पुराने लोगों से अतिरिक्त दक्षता दिखाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये फील्ड सभी उच्च डिग्री धारकों की असमान संख्या को आकर्षित करते हैं। दो दशकों से रेज्यूमे बनाने के लिए एक उचित उच्च वर्ग प्रक्रिया उन्मुख करियर की तुलना में अधिक उचित इनाम जो पा रहे हैं। हाल के स्नातकों के माता पिता अक्सर उन्हें स्थापित पथ पर आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं। बेबी बूम के अजीब इतिहास ने अनिश्चितकालीन आशावादियों की एक पीढ़ी का निर्माण किया, ताकि इतनी आसानी से प्रगति की जा सके कि जिसके वे हकदार हैं। चाहे आप 1945 या 1950 या 1955 में पैदा हुए थे, आपके जीवन के केवल 18 वर्षों के लिए हर साल चीजें बेहतर होती है, लेकिन इसका आपके साथ कुछ लेना देना नहीं था। तकनीकी प्रगति स्वचालित रूप से बढ़ती प्रतीत होती है, इसलिए बूमर्स बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े हुए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं बढ़ी। फिर जब 1970 के दशक में तकनीकी प्रगति रुक गई, तो अधिकांश असमान बूमर्स के बचाव में आय असमानता बढ़ी। व्यस्कता का हर साल अमीर और सफल के लिए स्वचालित रूप से बेहतर और बेहतर हो रहा है। उनकी बाकी पीढ़ी पीछे छोड़ दी गई थी, लेकिन अमीर बूमर्स जो आज जनता की राय को आकार देते हैं, उनके भद्दे आशावाद पर सवाल उठाने के लिए बहुत कम कारण देखते हैं। चूंकि ट्रैक किए गए करियर उनके लिए काम करते हैं, इसलिए वे कल्पना नहीं कर सकते कि वे करियर ट्रैक उनके बच्चों के लिए भी काम करेंगे या नहीं। मेलकम ग्लैडवेल का कहना है कि आप अपने भाग्यशाली व्यक्तिगत संदर्भ को समझे बिना बिल गेट्स की सफलता को समझ नहीं सकते। वह एक अच्छे परिवार में बड़ा हुआ, कंप्यूटर प्रयोगशाला से सुसज्जित एक निजी स्कूल गया और पॉल एलन को बचपन के दोस्त के रूप में पाया। लेकिन शायद आप बल्कर के रूप में अपने ऐतिहासिक संदर्भ को मैकवल ग्लैडवेल को नहीं समझ सकते। जब बेबी बूमर्स बड़े होते हैं और यह समझाने के लिए किताबें लिखते हैं कि क्यों एक या कोई अन्य व्यक्ति सफल होता है, तो वे मौके से निर्धारित किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ की शक्ति को इंगित करते हैं। लेकिन वे अपने पसंदीदा स्पष्टीकरण के लिए भी बड़े सामाजिक संदर्भ को याद करते हैं। पूरी पीढ़ी बचपन से सीखने के मौके की शक्ति को खत्म करने और योजना के महत्व को कम करने के लिए सीखा है। पहले ग्लैडवेल स्वनिर्मित व्यवसाय की मिथक की एक विरोधाभासी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह उनकी स्वयं की पीढ़ी के पारंपरिक दृष्टिकोण को इंगित करता है। हमारा स्वतंत्र आशावाद। एक निश्चित आशावादी भविष्य के लिए इंजीनियरों को अंतरिक्ष में आवास और पानी के नीचे शहरों और बस्तियों को डिजाइन करने की आवश्यकता है, और एक अनिश्चित आशावादी भविष्य अधिक बैंकरों और वकीलों को आगमन के लिए कहता है। वित्त अनिश्चितकालीन सोच का प्रतीक है, क्योंकि पैसा बनाने का यही एकमात्र तरीका है
जब आपको पता नहीं होता कि धन कैसे कमाया जाए। अगर वे लॉ स्कूल नहीं जाते हैं तो ब्राइट कॉलेज के स्नातक वॉल स्ट्रीट जाते हैं, क्योंकि उनके पास करियर के लिए कोई वास्तविक योजना नहीं है। और एक बार जब वे गोल्डमैन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वित्त के अंदर भी सब कुछ अनिश्चित है। यह अभी भी आशावादी है। यदि आप हारने की उम्मीद करते हैं तो आप बाजारों में नहीं खेलेंगे, लेकिन मौलिक सिद्धांत यह है कि बाजार समझ से परे है। आप कुछ विशिष्ट या वास्तविक नहीं जान सकते। ऐसी स्थिति में विविधीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वित्त की अनिश्चितता विचित्र हो सकती है। इस बारे में सोचे कि सफल उद्यमी जब अपनी कंपनी को बेचते हैं तो उस समय क्या होता है, वे पैसे के साथ क्या करते हैं। यह वित्तीय दुनिया में इस तरह दिखता है। संस्थापकों को यह पता नहीं होता कि अब इसके साथ क्या करना है, इसलिए वे इसे एक बड़े बैंक को दे देते हैं। बैंकरों को यह पता नहीं होता कि इसके साथ क्या करना है, इसलिए वे इसे संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई कर फैलाते हैं। संस्थागत निवेशकों को पता नहीं है कि उनकी इस पूंजी के साथ क्या करना है, इसलिए वे स्टॉक के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। कंपनियां फ्री कैश फ्लो उत्पन्न करने के लिए अपनी शेयर कीमत बढ़ाने की कोशिश करती है। वे लाभांश जारी करते हैं और शेयर वापस खरीदते हैं और इसी चक्र को दोहराते हैं। किसी भी समय श्रृंखला में किसी को भी पता नहीं है कि असली अर्थव्यवस्था में पैसे के साथ क्या करना है, लेकिन एक अनिश्चित दुनिया में लोग वास्तव में असीमित विकल्प पसंद करते हैं। आप जो कर सकते हैं धन उससे अधिक मूल्यवान है। पैसा केवल निश्चित भविष्य ही पैसे को खत्म करने का साधन होता है, यह खुद खत्म नहीं होता। अनिश्चित राजनीति। पहले राजनेता चुनाव के समय आधिकारिक तौर पर जनता से जुड़ते थे, लेकिन आज वे हर पल जनता के विचारों से जुड़े होते हैं। आधुनिक मतदान से राजनेताओं को अपनी छवि को पूर्ववर्ती सार्वजनिक राय से मेल खाने में सक्षम बनाता है, इसलिए अधिकांश ऐसा ही करते हैं। नाट सिल्वर की चुनाव भविष्यवाणियां उल्लेखनीय रूप से सटीक हैं, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि अब हर 4 साल में कितनी बड़ी कहानी बनती है। इस बारे में सांख्यिकीय भविष्यवाणियों से हम सब और अधिक प्रभावित हुए हैं कि देश अब 10 या 20 साल की तरह दिखने के बारे में दूरदर्शी भविष्यवाणियों के मुकाबले सप्ताहों में सोच रहा है। और यह सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं है, सरकार का चरित्र भी बहुत अनिश्चित हो गया है। सरकार परमाणु हथियार और चंद्र अन्वेषण जैसी समस्याओं के जटिल समाधानों का समन्वय करने में सक्षम होती थी, लेकिन आज अनिश्चित काल के 40 वर्षों बाद सरकार मुख्य रूप से बीमा करती है। बड़ी समस्याओं के समाधान चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा और अन्य हस्तांतरण भुगतान कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1975 से एंटाइटलमेंट खर्च हर साल विवेकपूर्ण खर्च किया है। विवेकपूर्ण खर्च बढ़ाने के लिए हमें विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए निश्चित योजनाओं की आवश्यकता होगी, लेकिन एंटाइटलमेंट खर्च के अनिश्चित तर्क के अनुसार चीजों को बेहतर बनाने के लिए हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन दर्शन। आप सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों के अनिश्चितकालीन दृष्टिकोण में देख सकते हैं, जिनके विचार लेफ्ट और राइट दोनों तरह के ही हैं। प्राचीन दुनिया का दर्शन निराशावादी था। प्लेटो, अरिस्टोटल, एपिक्यूरस और ल्यूक्रेटिस सभी ने मानव क्षमता पर सख्त सीमाएं स्वीकार की। एकमात्र सवाल यह था कि हमारे दुखद भाग्य का सामना कैसे किया जाए। आधुनिक दार्शनिक ज्यादातर आशावादी थे। दाईं ओर हर्बर्ट स्पेंसर से केंद्र में हेगल और बाईं ओर मार्क्स तक 19वीं शताब्दी में प्रगति के विश्वास को साझा किया गया। इन विचारकों ने भौतिक रूप से बेहतर तरीके से मानव जीवन को बदलने के लिए भौतिक प्रगति की उम्मीद की। वे निश्चित आशावादी थे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
अनिश्चितकालीन दर्शन सामने आई। दो प्रमुख राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक को आमतौर पर कठोर विरोधी के रूप में देखा जाता है। समानतावादी बाईं ओर रावल निष्पक्षता और वितरण के प्रश्नों से चिंतित थे। स्वतंत्रतावादी अधिकार पर नोजिक ने व्यक्तिगत आजादी को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। वे दोनों मानते थे कि लोग शांति से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, इसलिए पूर्वजों के विपरीत वे आशावादी थे। लेकिन स्पेंसर या मार्क के विपरीत राल्स और नोजिक अनिश्चित आशावादी थे। उनके पास भविष्य का कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं था। उनकी अनिश्चितता के विभिन्न रूप थे। रावल ने अज्ञानता के घूंघट के साथ न्याय का सिद्धांत शुरू किया। निष्पक्ष राजनीतिक तर्क दुनिया के ज्ञान के साथ किसी के लिए असंभव माना जाता है, क्योंकि यह ठोस रूप से मौजूद है। अद्वितीय लोगों और वास्तविक टेक्नोलॉजी की हमारी वास्तविक दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय राल्स ने निष्पक्षता के साथ अंतर्निहित स्थिर समाज के बारे में कल्पना बहुत गतिशीलता के साथ की। नोजिक ने राल्स की पैटर्न अवधारणा का विरोध किया। नोजिक के लिए किसी भी स्वैच्छिक विनिमय की अनुमति दी जानी चाहिए और कोई सामाजिक पैटर्न रखरखाव उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। राल्स की तुलना में अच्छे समाज के बारे में उनके पास कोई ठोस विचार नहीं था। दोनों ने प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। आज हम बाएं उत्तरदायी समानतावाद और उदारवादी व्यक्तित्व के बीच मतभेदों को अति रंजित करते हैं, क्योंकि लगभग हर कोई अपना सामान्य अनिश्चित दृष्टिकोण रखता है। दर्शन, राजनीति और व्यापार में प्रक्रिया पर बहस भी एक बेहतर भविष्य के लिए ठोस योजना बनाने के लिए अंतहीन रूप से एक तरीका बन गया है। अनिश्चित जीवन। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को समझने और विस्तार करने की मांग की। 19वीं शताब्दी में खोजकर्ताओं ने फ्लोरिडा के जंगलों में जवान बनाने वाले फंवारे को खोजा। फ्रांसिस बेकन ने लिखा था कि जीवन की लंबाई को एक महान दवा की शाखा माना जाना चाहिए। 1960 के दशक में रॉबर्ट बायल ने विज्ञान के भविष्य के लिए जवान रहने के रहस्य पर अपनी प्रसिद्ध सारणी को जनता के सामने रखा। चाहे भौगोलिक अन्वेषण या प्रयोगशाला अनुसंधान के माध्यम से पुनर्जागरण के सर्वोत्तम काल में मृत्यु के बारे में सोचा गया था। हमने अभी तक जीवन के रहस्यों को उजागर नहीं किया है, लेकिन 19वीं शताब्दी में बीमाकर्ताओं और सांख्यिकीविदों ने सफलतापूर्वक मृत्यु के बारे में एक रहस्य प्रकट किया जो आज भी हमारी सोच को नियंत्रित करता है। उन्होंने पाया कि इसे गणितीय संभावनाओं में कैसे व्यक्त किया जाए। मोर्टेलिटी चार्ट यानी जीवन सारणी हमें किसी दिए गए वर्ष में मरने की हमारी संभावना बताती है। पिछली पीढ़ियों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि बेहतर बीमा अनुबंधों के बदले में हमने दीर्घायु के बारे में रहस्यों की खोज छोड़ दी है, मानव जीवन काल की वर्तमान श्रृंखला के व्यवस्थित ज्ञान की यह सीमा प्राकृतिक प्रतीत होती है। आज हमारे समाज को दोनों विचारों से पार जाना है कि मृत्यु दोनों अपरिहार्य और अनिश्चित है। इस बीच जीव विज्ञान के एजेंडों को आकार देने के लिए अनेक संभव दृष्टिकोण आ गए हैं। 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाया कि एक रहस्यमय जीवाणुरोधी कवक एक पेट्री डिश पर उगाया गया था जो वह अपनी प्रयोगशाला में रखना भूल गए थे। उसने दुर्घटनावश पेनिसिलिन की खोज की। वैज्ञानिकों ने तब से मौके की शक्ति का उपयोग करने की मांग की। आधुनिक दवा की खोज का लक्ष्य फ्लेमिंग की अलग अलग परिस्थितियों में 1 मिलियन गुना बढ़ाना है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां सटीक दवा खोजने की उम्मीद करते हुए अनिश्चित यौगिकों के संयोजन के माध्यम से अनिश्चित रूप से खोज करती हैं, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है और साथ ही इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। पिछली 2 शताब्दियों में नाटकीय प्रगति के बावजूद हाल के दशकों में बायोटेक्नोलॉजी ने निवेशकों या मरीजों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। नई दवाओं की संख्या से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है।
आज बायोटेक के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कभी भी इसी तरह की प्रगति करेगा। बायोटेक स्टार्टअप अनिश्चितकालीन सोच का एक बड़ा उदाहरण है। शोधकर्ता उन चीजों के साथ प्रयोग करते हैं जो शरीर के सिस्टम के जैसे काम करते हैं। इस बारे में निश्चित सिद्धांतों को परिष्कृत करने के बजाय उन्हीं पर काम करते हैं। जीव विज्ञानी कहते हैं कि उन्हें इस तरह से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि आंतरिक जीव विज्ञान कठिन है। उनके अनुसार आईटी स्टार्टअप काम करते हैं क्योंकि हमने कंप्यूटर स्वयं बनाया है और उन्हें विश्वसनीय रूप से हमारे आदेशों का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। बायोटेक मुश्किल है क्योंकि हमने अपने शरीर को डिजाइन नहीं किया है और जितना अधिक हम उनके बारे में सीखते हैं उतना अधिक वे जटिल होते जाते हैं। लेकिन आज यह आश्चर्य करना संभव है कि जीव विज्ञान की वास्तविक कठिनाई बायोटेक स्टार्टअप के लिए सामान्य रूप से व्यापार के लिए अनिश्चित दृष्टिकोण के लिए बहाना बन गई है। इसमें शामिल अधिकांश लोग अंततः कुछ चीजों को काम करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ सफलता के लिए जरूरी तीव्रता के स्तर के साथ एक विशिष्ट कंपनी बनाना चाहते हैं। यह उन प्रोफेसरों के साथ होता है जो अक्सर पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय पार्ट टाइम सलाहकार बन जाते हैं। यहां तक कि अपने स्वयं के शोध से शुरू होने वाले बायोटेक स्टार्टअप के लिए भी। फिर हर कोई प्रोफेसरों के अनिश्चित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। स्वतंत्रतावादियों के लिए यह दावा करना आसान है कि भारी विनिमय बायोटेक को पीछे रखता है, लेकिन अनिश्चित आशावाद बायोटेक के भविष्य के लिए और भी बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। अनिश्चित आशावाद भी संभव है। हमारे अनिश्चितकालीन आशावादी निर्णय किस तरह का भविष्य बनाएंगे? यदि एक परिवार बचत कर रहा है तो कम से कम वह बाद में खर्च करने के लिए पैसे की उम्मीद तो कर सकता है, और यदि अमेरिकी कंपनियां निवेश कर रही हैं तो वे भविष्य में नई संपत्ति के पुरस्कारों का फायदा उठाने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी परिवार लगभग कुछ भी बचा रहे हैं और अमेरिकी कंपनियां नई परियोजनाओं में निवेश किए बिना अपने बैलेंस शीट में ढेर सारा धन इकट्ठा कर रही है क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। भविष्य के अन्य तीन विचार काम कर सकते हैं। जब आप भविष्य में भविष्य का निर्माण करते हैं तो असीमित आशावाद काम करता है, असीमित निराशावाद निर्माण के द्वारा काम करता है जिसे किसी भी चीज की उम्मीद किए बिना कॉपी किया जा सकता है। अनिश्चित निराशावाद काम करता है क्योंकि यह आत्मनिर्भर है। यदि आप कम उम्मीदों के साथ एक स्केलर हैं, जो कि यह है, लेकिन अनिश्चित आशावाद स्वाभाविक रूप से असंभव प्रतीत होता है। अगर कोई इसके लिए योजना नहीं बनाता तो भविष्य बेहतर कैसे हो सकता है? असल में आधुनिक दुनिया में अधिकांश लोगों ने पहले से ही इस सवाल का जवाब सुना है। योजना के बिना प्रगति वह है जिसे हम विकास कहते हैं। डार्विन ने स्वयं लिखा था कि जीवन किसी भी व्यक्ति के इरादे के बिना प्रगति करता है। प्रत्येक जीवित चीज किसी अन्य जीव पर केवल एक अनिश्चित पुनरावृत्ति है और सर्वोत्तम पुनरावृत्तियां हमेशा जीतती हैं। डार्विन का सिद्धांत ट्रिलोबाइट्स और डायनासोर की उत्पत्ति को समझाता है, लेकिन क्या इसे डोमेन तक बढ़ाया जा सकता है जो बहुत दूर है? जैसे न्यूटनियन भौतिकी ब्लैक होल या बिग बैंग को समझा नहीं सकता, यह स्पष्ट नहीं है कि डार्विनियन जीव विज्ञान को एक बेहतर समाज बनाने या किसी नए व्यवसाय को कैसे तैयार करना है। यह समझना चाहिए। फिर भी हाल के वर्षों में डार्विनियन रूपक व्यापार में आम हो गए हैं। पत्रकार प्रतिस्पर्धी बाजार में कॉरपोरेट अस्तित्व के लिए प्रतियोगी परिस्थितिक तंत्र में शब्दावली अस्तित्व का आकलन करते हैं। इसलिए डिजिटल डार्विनवाद, .com डार्विनवाद और क्लिक वेस्ट का उत्तरजीविता जैसे शीर्षक बन गए हैं। यहां तक कि इंजीनियरिंग संचालित सिलिकॉन घाटी में भी इस पल के बजवर्ड एक छोटा स्टार्टअप बनाने के लिए कहते हैं जो
जिसे हमेशा बदलते पर्यावरण के लिए अनुकूलित और विकसित कर सकते हैं। उद्यमियों को बताया जाएगा कि कुछ भी पहले से ही ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हमें यह जानना चाहिए कि ग्राहक क्या चाहते हैं। वे न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद से अधिक कुछ नहीं बनाते हैं और सफलता के लिए अपना रास्ता फिर से शुरू करते हैं। लेकिन छोटी शुरुआत एक प्रणाली है, लक्ष्य नहीं। पहले से मौजूद चीजों में छोटे बदलाव करना आपको स्थानीय अधिकतम ले जा सकता है, लेकिन यह आपको वैश्विक अधिकतम खोजने में मदद नहीं करेगा। आप एक ऐप का सबसे अच्छा संस्करण बना सकते हैं जो लोगों को अपने आईफोन से टॉयलेट पेपर ऑर्डर करने देता है, लेकिन एक बोल्ड प्लान के बिना पुनरावर्ती आपको 0 से 1 तक नहीं ले जा पाएगा। यह कंपनी अनिश्चितकालीन आशावादी के लिए सबसे अजीब जगह है। आपको ऐसा करने की योजना के बिना अपने व्यवसाय को सफल होने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए? डार्विनवाद अन्य संदर्भों में एक अच्छा सिद्धांत हो सकता है, लेकिन स्टार्टअप में बुद्धिमान डिजाइन सबसे अच्छा काम करता है। डिजाइन की वापसी। इस मौके पर डिजाइन को प्राथमिकता देने का क्या अर्थ होगा? आज अच्छी डिजाइन एक सौंदर्य अनिवार्यता है। यह सच है कि हर महान उद्यमी पहले और सबसे पहले एक डिजाइनर है। कोई भी जिसने आई डिवाइस या मैकबुक को देखा है, उसने दृश्य और अनुभवी पूर्णता के साथ स्टीव जॉब के जुनून का नतीजा महसूस किया है। लेकिन नौकरियों से सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक सौंदर्य शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। डिजाइन की गई सबसे बड़ी बात उसका व्यवसाय था। एप्पल ने नए उत्पादों को बनाने और प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए निश्चित बहुवर्षीय योजनाओं की कल्पना की और उन्हें लागू किया। न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादों को भूल जाओ। जब से उन्होंने 1976 में एप्पल शुरू किया, जॉब्स ने देखा कि आप सावधानीपूर्वक योजना के माध्यम से दुनिया को बदल सकते हैं, न कि फोकस समूह प्रतिक्रिया को सुनकर या दूसरों की सफलताओं की नकल बनाकर। लंबी अवधि की योजना अक्सर हमारी अनिश्चितकालीन अल्पकालीन दुनिया द्वारा कम मूल्यांकन की जाती है। जब पहला ईपार्ट अक्टूबर 2001 में जारी किया गया था, तो उद्योग विश्लेषकों के द्वारा मैकिंटोश को उपयोगकर्ताओं के लिए एक अच्छी सुविधा से अधिक नहीं देखा जा सकता था, जो दुनिया के बाकी हिस्सों में कोई फर्क नहीं डालेगा। जॉब्स ने आईपैड को पोर्टेबल पीसी उपकरणों की एक नई पीढ़ी की योजना बनाई, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह रहस्य अदृश्य था। योजना की शक्ति निजी कंपनियों के मूल्यांकन की कठिनाई बताती है। जब एक बड़ी कंपनी सफल स्टार्टअप हासिल करने का प्रस्ताव देती है, तो यह लगभग हमेशा बहुत अधिक या बहुत कम प्रदान करती है। संस्थापक केवल तब बेचते हैं जब उनके पास कंपनी के लिए कोई ठोस दृष्टिकोण नहीं होता है। इस मामले में अधिग्रहणकर्ता शायद अधिक भुगतान करता है। मजबूत योजनाओं के साथ निश्चित संस्थापक बेचते नहीं है, जिसका मतलब है कि प्रस्ताव पर्याप्त नहीं था। जब याहू ने जुलाई 2006 में $1 बिलियन में फेसबुक को खरीदने की पेशकश की, तब मैंने सोचा कि हमें कम से कम इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मार्क जुबरकर बोर्ड की बैठक में चले गए और घोषणा की, ठीक है दोस्तों, यह सिर्फ एक औपचारिकता है, इसे 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। हम स्पष्ट रूप से इसे बेचने नहीं जा रहे हैं। मार्क ने देखा कि वह कंपनी को कहां ले जा सकता है, लेकिन याहू ऐसा नहीं कर पाया। एक अच्छी निश्चित योजना वाले व्यवसाय को हमेशा ऐसी दुनिया में कम आंका जाता है, जहां लोग भविष्य को अनिश्चित रूप से देखते हैं। आप एक लॉटरी टिकट नहीं है। हमें एक निश्चित भविष्य में अपना रास्ता खोजना है और पश्चिमी दुनिया को ऐसा करने के लिए सांस्कृतिक क्रांति से कम कुछ भी नहीं चाहिए। कहां से शुरुआत करें? जॉन राल्स को दर्शन विभागों में विस्थापित होने की आवश्यकता होगी। मेलकम ग्लैडवेल को अपने सिद्धांतों को बदलने के लिए राजी किया जाना चाहिए
और राजनेताओं को राजनीति से प्रेरित किया जाना चाहिए। लेकिन चाहे हमारे राजनेता कुछ भी कहते हैं, दर्शन के प्रोफेसरों और ग्लेडवेल दुनिया को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उन भीड़ वाले क्षेत्रों में बदलाव करना बेहद मुश्किल है जहां अच्छे इरादों के साथ मस्तिष्क काम कर रहे हैं। एक स्टार्टअप न केवल अपने जीवन के बारे में बल्कि यह इस दुनिया के छोटे से हिस्से के रूप में सबसे बड़ा प्रयास है जिस पर आप निश्चित निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। यह संभावना के अन्यायपूर्ण अत्याचारों को खारिज करके शुरू होता है। बस आप एक लॉटरी टिकट मात्र नहीं है। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 7 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 7, पैसे का पीछा करें। hindiaudiobook.com। पैसा पैसा बनाता है। जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा और जिसके पास कम है उससे लिया जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने वही देखा जब उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है, सबसे बड़ी गणितीय खोज, या यहां तक कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। आप जिस भी परिभाषा को पसंद करते हो, आप इस संदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। घातीय वृद्धि को कभी कम मत समझें। असल में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आइंस्टीन ने इन उदाहरणों में से किसी को कहा हो, लेकिन यह गलतफहमी संदेश को मजबूत करती है। जीवन भर की प्रतिभा के मूलधन का निवेश करने के बाद आइंस्टीन ने उन चीजों के लिए श्रेय प्राप्त करके कब्र में जाने तक ब्याज कमाना जारी रखा है। ज्यादातर बातें भुला दी जाती है। दूसरी ओर आइंस्टीन और शेक्सपियर जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को लगातार संदर्भित किया जाता है और उनको हमेशा याद किया जाता है। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि कम ही अक्सर असमान परिणाम प्राप्त करते हैं। 1906 में अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने पाया कि पेरेटो सिद्धांत, या कहें 80-20 नियम, जब उन्होंने देखा कि इटली में 20% लोगों के पास 80% भूमि का स्वामित्व है, उन्होंने प्राकृतिक रूप में एक ऐसी घटना देखी कि उनके बगीचे की 20% जगह पर बोई गई मटर से 80% उत्पादन हुआ। यह असाधारण रूप से स्टार्क पैटर्न है जिसमें एक छोटे से बीज ने सभी बाधाओं को पार करते हुए पौधे बाहर निकलते हैं जो हमें प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया में हर जगह दिखते हैं। सबसे विनाशकारी भूकंप संयुक्त रूप से सभी छोटे भूकंपों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। सबसे बड़े शहरों ने भी छोटे छोटे शहरों को एक साथ रखा है, और इसी तरह मोनोपोली व्यवसाय भी लाखों अविभाजित प्रतियोगियों की तुलना में अधिक मूल्यवान होते हैं। आइंस्टीन ने कहा या नहीं कहा, लेकिन इसे शक्तिशाली नियम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि घातीय समीकरण असमान वितरण का वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड का यही नियम है। यह हमारे आसपास पूरी तरह से परिभाषित है कि हम आमतौर पर इसे नहीं देखते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब आप पैसे का पालन करते हैं तो शक्ति का नियम कैसे दिखाई देता है। वेंचर पूंजी में, जहां निवेश प्रारंभिक चरण की कंपनियों में घातीय वृद्धि से लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, कुछ कंपनियां अन्य सभी की तुलना में तेजी से अधिक मूल्य प्राप्त करती है। ज्यादातर व्यवसायों को वेंचर पूंजी से निपटने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सभी को वास्तव में एक बात पता होना चाहिए कि वेंचर पूंजीपति इसे समझने के लिए संघर्ष करते हैं। हम एक सामान्य दुनिया में नहीं रहते बल्कि एक शक्ति के कानून के अंतर्गत रहते हैं। वेंचर कैपिटल का पावर। वेंचर कैपिटलिस्टिक प्रारंभिक चरण की कंपनियों को वादा करने से पहचान, निधि और लक्ष्य का लाभ रखते हैं। वे इंस्टीट्यूशनल और अमीर लोगों से धन जुटाते हैं और इसे एक फंड में पूल करते हैं और प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश करते हैं। उनका मानना है कि इससे वे अधिक मूल्यवान बन जाएंगे।
यदि वे इससे बाहर निकलते हैं तो वे रिटर्न पर लगभग 20% कटौती करते हैं। एक वेंचर फंड तभी पैसा बनाता है जब उसके पोर्टफोलियो में कंपनियां अधिक मूल्यवान हो जाएं या सार्वजनिक हो जाती है या बड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी जाती है। वेंचर फंडों की आमतौर पर 10 साल की उम्र होती है क्योंकि सफल कंपनियों के बढ़ने और बाहर निकलने के लिए समय लगता है। लेकिन अधिकांश वेंचर समर्थित कंपनियां आईपीओ नहीं लाती या अधिग्रहित नहीं होती है, लेकिन सबसे असफल वो रहती है जो आमतौर पर शुरू होने के तुरंत बाद इसे शुरू करती है। इन शुरुआती असफलताओं के कारण एक वेंचर फंड आमतौर पर पहले ही पैसे खो देता है। वेंचर कैपिटल उम्मीद करते हैं कि सफल पोर्टफोलियो कंपनियां अपने घातीय विकास दर को प्रभावित करने, स्केल करने पर फंड के मूल्य को नाटकीय रूप से कुछ वर्षों के समय में बढ़ा देगी। बड़ा सवाल यह है कि यह अधिग्रहण कब होगा। अधिकांश के लिए जवाब कभी नहीं होता। अधिकांश स्टार्टअप विफल हो जाते हैं और अधिकांश फंड उनके साथ ही विफल हो जाते हैं। प्रत्येक वेंचर कैपिटल जानता है कि उनका काम उन कंपनियों को ढूंढना है जो सफल होंगी। हालांकि अनुभवी निवेशक भी इस घटना को केवल सतही समझते हैं। वे जानते हैं कि कंपनियां अलग हैं, लेकिन वे अंतर को कम समझते हैं। गलती यह उम्मीद करने में है कि वेंचर रिटर्न सामान्य रूप से वितरित किया जाएगा, यानी बुरी कंपनियां असफल हो जाएंगी, मध्यम लोग फ्लैट रहेंगे और अच्छे लोग दुगुना या चार गुना रिटर्न पाएंगे। इस ब्लेंड पैटर्न को मानते हुए निवेशक एक विविध पोर्टफोलियो इकट्ठा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे विजेता रहेंगे। लेकिन यह प्रार्थना दृष्टिकोण आमतौर पर पूरे पोर्टफोलियो को बिना किसी हिट के फ्लॉप कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेंचर रिटर्न समग्र वितरण का पालन नहीं करते हैं। इसके बजाय वे एक पावर लॉ का पालन करते हैं। कुछ छोटी कंपनियों ने मूल रूप से सभी से बेहतर प्रदर्शन किया। यदि आप बहुत कम कंपनियों की एकल मनोदशा की खोज के बजाय डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अत्यधिक मूल्यवान हो सकते हैं, तो आप उन दुर्लभ कंपनियों को पहली जगह पर रखेंगे। फाउंडर्स फंड में हमारे परिणाम इस स्कैव पैटर्न को चित्रित करते हैं। फेसबुक 2005 के फंड में सबसे अच्छा निवेश था। यह अकेला अन्य सभी संयुक्त पोर्टफोलियो की तुलना में अधिक लाभदायक रहा। दूसरा सबसे अच्छा निवेश पैलेंटियर फेसबुक को छोड़ दूसरे निवेशों के योग से अधिक रिटर्न के साथ कमाई की। यह पैटर्न ऐसा मान्य नहीं है। हम इसे अपने सभी अन्य फंडों में भी देखते हैं। वेंचर पूंजी में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सफल फंड में सबसे अच्छा निवेश संयुक्त फंड के पूरे शेष के बराबर या बेहतर प्रदर्शन करता है। यह वेंचर कैपिटल के लिए दो बहुत अजीब नियमों का पर्याय है। सबसे पहले, केवल उन कंपनियों में निवेश करें जिनके पास पूरे फंड के मूल्य को वापस करने की क्षमता है। यह एक डरावना नियम है क्योंकि यह संभावित निवेश के विशाल बहुमत को समाप्त करता है। यही नियम संख्या दो हो जाती है क्योंकि नियम संख्या एक इतनी प्रतिबंधित है कि कोई अन्य नियम नहीं हो सकता। गौर करें, जब आप पहले नियम को तोड़ते हैं तो क्या होता है। एंडरसन होरोविट्स ने 2010 में इंस्टाग्राम में $2.5 लाख का निवेश किया। जब फेसबुक ने 2 साल बाद $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीदा तो एंडरसन ने $78 मिलियन की कमाई की। एक साल में 292 गुना ज्यादा रिटर्न। यह एक असाधारण वापसी है जो वैली के सर्वश्रेष्ठ फर्म की प्रतिष्ठा को उपयुक्त बनाती है। लेकिन एक अजीब तरीके से यह लगभग पर्याप्त नहीं है क्योंकि एंडरसन होरोविट्स के पास $1.5 बिलियन का फंड है। अगर उन्होंने केवल $2.5 लाख के चेक लिखे हैं तो उन्हें बाकी बचे धन पर कमाने के लिए 19 इंस्टाग्राम ढूंढना होगा। यही कारण है कि निवेशक आमतौर पर वित्त पोषण की किसी भी कंपनी में बहुत अधिक धन डालते हैं। वेंचर कैपिटल को उन कंपनियों से केवल मुट्ठी भर मिलना चाहिए जो सफलतापूर्वक 0 से 1 तक चले जाएंगे और फिर उन्हें
हर संसाधन के साथ वापस ले लेंगे। बेशक कोई भी निश्चित रूप से पता नहीं कर सकता कि कौन सी कंपनियां सफल होंगी, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वेंचर कैपिटल फर्मों के पास पोर्टफोलियो भी है। हालांकि एक अच्छे वेंचर पोर्टफोलियो में प्रत्येक कंपनी के पास बड़े स्तर पर सफल होने की क्षमता होनी चाहिए। संस्थापक फंड में हम एक फंड में 5 से 7 कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक को लगता है कि यह अपने अद्वितीय मौलिक सिद्धांतों के आधार पर मल्टी बिलियन डॉलर का व्यवसाय बन सकता है। जब भी आप एक व्यापार के पदार्थ से वित्तीय सवाल पर जाते हैं कि यह एक विविध हेजिंग रणनीति में फिट बैठता है या नहीं, वेंचर निवेश लॉटरी टिकट खरीदने की तरह दिखता है। और एक बार जब आप सोचते हैं कि आप लॉटरी खेल रहे हैं, तो आप पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से हारने के लिए तैयार हैं। क्यों लोग शक्ति के कानून को अनदेखा करते हैं? सभी लोगों का पेशेवर वेंचर कैपिटल क्यों शक्ति के कानून को देखने में विफल रहेगा? एक बात के लिए यह समय के साथ ही स्पष्ट हो जाता है, और यहां तक कि प्रौद्योगिकी निवेशक भी वर्तमान में रहते हैं। 10 कंपनियों में एकाधिकार बनने की क्षमता के साथ एक फर्म पहले से ही असामान्य रूप से अनुशासित पोर्टफोलियो में निवेश की कल्पना करें। घातीय वृद्धि से पहले ये कंपनियां बहुत समान दिखाई देती हैं। अगले कुछ वर्षों में कुछ कंपनियां असफल हो जाएंगी, जबकि अन्य सफल होने लगेंगी, मूल्यवान अलग हो जाएंगे। लेकिन घातीय वृद्धि और रेखीय विकास के बीच का अंतर अस्पष्ट होगा। हालांकि 10 वर्षों बाद पोर्टफोलियो विजेताओं और हारने वालों के बीच अंतर नहीं किया जाएगा, इसे एक प्रमुख निवेश और बाकी सब के बीच विभाजित किया जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता कानून के अंतिम परिणाम कितने स्पष्ट हैं, यह दैनिक अनुभव को प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि निवेशक अपना अधिकांश समय नए निवेश करने में व कंपनियों के शुरुआती चरणों में भाग लेते हैं। इसलिए जिन कंपनियों के साथ वे काम करते हैं वे औसत होती हैं। निवेशकों और उद्यमियों को हर दिन समझने वाले अधिकांश मतभेद सफलता के सापेक्ष स्तरों के बीच होते हैं, न कि घातीय प्रभुत्व और विफलता के बीच। और चूंकि कोई भी निवेश पर छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वेंचर कैपिटल आमतौर पर सबसे अधिक समस्याग्रस्त कंपनियों पर अधिक समय बिताते हैं, क्योंकि सटीक रूप से सफल होने की उन्हीं की संभावना होती है। यदि तेजी से बढ़ते स्टार्टअप में विशेषज्ञता रखने वाले निवेशक भी शक्ति के नियम को याद करते हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ज्यादातर लोग इसे याद करते हैं। पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि वे सादे दृष्टि में छिपाते हैं। उदाहरण के लिए, जब सिलिकॉन वैली के बाहर ज्यादातर लोग वेंचर पूंजी के बारे में सोचते हैं, वे केवल ABC के शॉर्ट टैंक की तरह छोटे दिखते हैं। आखिरकार US में प्रत्येक वर्ष 1% से कम नए व्यवसाय शुरू हुए, वेंचर वित्त पोषण प्राप्त हुआ और वेंचर कैपिटल को कुल निवेश खाता GDP का 0.2% प्राप्त हुआ। लेकिन उन निवेशों के परिणाम असमान रूप से पूरी अर्थव्यवस्था को प्रेरित करते हैं। वेंचर समर्थित सभी निजी क्षेत्र की कंपनियां 11% नौकरियों को जन्म देती है, वे GDP के आश्चर्यजनक 21% के बराबर राष्ट्रीय राजस्व उत्पन्न करती है। दरअसल दर्जनों सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां वेंचर समर्थित होती हैं। साथ में अन्य सभी तकनीकी कंपनियों की तुलना में उन 12 कंपनियों का मूल्य $2 ट्रिलियन से ज्यादा था। शक्ति के नियमों का कैसे उपयोग करें? निवेश कानून निवेशकों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई एक निवेशक है। एक उद्यमी स्टार्टअप पर अपना समय बिताकर एक बड़ा निवेश करता है, इसलिए प्रत्येक उद्यमी को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या उसकी कंपनी सफल होने जा रही है और ज्यादा मूल्यवान हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से एक निवेशक भी है। जब आप एक करियर चुनते हैं, तो आप अपने विश्वास पर कार्य करते हैं कि आप जिस प्रकार के काम करते हैं वह अब से आगे आने वाले दशकों तक मूल्यवान बने रहेंगे। भविष्य के मूल्य के सवाल का सबसे आम जवाब
एक विविध पोर्टफोलियो है। अपने सभी अंडों को एक टोकरी में न रखें, सभी को बताया गया है। जैसा कि हमने कहा, यहां तक कि सबसे अच्छे वेंचर निवेशकों के पास पोर्टफोलियो भी हैं। लेकिन जो निवेशक शक्ति के कानून को समझते हैं, वे उतना ही कम निवेश करते हैं। इसके विपरीत लोक ज्ञान और वित्तीय शिक्षा दोनों द्वारा स्वीकार किए गए पोर्टफोलियो की तरह डाइवर्सिफिकेशन के स्रोत के रूप में सट्टेबाजी को शक्ति मानते हैं। लेकिन जीवन एक पोर्टफोलियो नहीं है, स्टार्टअप संस्थापक के लिए व और किसी भी व्यक्ति के लिए भी नहीं। एक उद्यमी खुद को डाइवर्सिफिकेशन नहीं दे सकता। आप एक ही समय में दर्जनों कंपनियों को नहीं चला सकते और फिर उम्मीद करते हैं कि वे अच्छी तरह से काम करेंगी। कम स्पष्ट लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति अपने जीवन को इतनी विविधता नहीं दे सकता कि वह दर्जनों कंपनियों को एक साथ समान रूप से चला सके। हमारे स्कूल इसके विपरीत सिखाते हैं, एक प्रकार के होमोजेनाइज्ड जेनेरिक ज्ञान। अमेरिकी स्कूल प्रणाली से गुजरने वाले हर कोई पावर लॉ नियमों में सोचना नहीं सीखता है। हर हाई स्कूल के विषय की अवधि 45 मिनट ही होती है। प्रत्येक छात्र एक समान गति से आगे बढ़ता है। कॉलेज में मॉडल छात्रों ने विदेशी और मामूली कौशल को अपने जुनून से जोड़कर डिजाइन किया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय उत्कृष्टता में विश्वास करता है और ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध कैटलॉग को डिजाइन किया गया है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, जब तक आप इसे अच्छी तरह से पूरा करते हैं तब तक पता चलता है कि यह तो पूरी तरह से गलत था। आपको कुछ ऐसा करने पर ध्यान देना चाहिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि भविष्य में यह मूल्यवान होगा या नहीं। स्टार्टअप दुनिया के लिए इसका मतलब है कि आपको अपने खुद की कंपनी शुरू नहीं करनी चाहिए, भले ही आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो। यदि कुछ भी है तो बहुत से लोग आज अपनी कंपनियों को शुरू कर रहे हैं। जो लोग सत्ता कानून को समझते हैं, वे एक नए उद्योग की स्थापना के समय दूसरों से अधिक संकोच करेंगे। वे जानते हैं कि तेजी से बढ़ते समय में वे सबसे अच्छी कंपनियों में शामिल होने से कितने सफल हो सकते हैं। पावर लॉ का मतलब है कि कंपनियों के बीच मतभेद कंपनियों के अंदर भूमिकाओं में मतभेदों को दूर करेंगे। यदि आप पूरी तरह से अपने वेंचर को फंड देते हैं तो आपके पास 100% इक्विटी हो सकती है, लेकिन यदि यह विफल हो जाती है तो आपके पास 100% कुछ भी नहीं होगा। इसके विपरीत 0.01% गूगल का स्वामित्व अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। यदि आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं तो आपको इसे संचालित करने के लिए पावर लॉ को याद रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीजें एक वचन है, जैसे कि हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी, एक बाजार शायद अन्य सभी की तुलना में बेहतर होगा। एक वितरण रणनीति आमतौर पर अन्य सभी पर हावी होगी। इसके लिए आपको अध्याय 11 सुनना चाहिए। समय और निर्णय लेने की क्षमता को सत्ता कानून का पालन करना पड़ता है। अध्याय 9 में देखें। हालांकि आप ऐसी दुनिया पर भरोसा नहीं कर सकते जो आपके लिए अपने फैसलों को सटीक रूप से फ्रेम करने के लिए पावर लॉ से इनकार कर दे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शायद ही कभी स्पष्ट होगा, यह भी लुप्त हो सकता है। लेकिन पावर लॉ की दुनिया में आप कड़ी मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि न जाने आपके कार्य कहां पर फिट बैठेंगे। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 8 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 8 रहस्य, hindiaudiobook.com। आज के सबसे प्रसिद्ध और परिचित विचार कभी न कभी अज्ञात थे, जैसे त्रिकोण के गणितीय संबंध खोजने से पहले असंख्य सालों तक अज्ञात ही थे। पाइथागोरस को इसे समझने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यदि आप पाइथागोरस की नई खोज को जानने में इच्छा रखते हैं तो आपको उनके पंथ में शामिल होना होगा। इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है। आज उनकी गणितीय खोज इतनी सामान्य हो गई है
कि इसे हम मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को सिखाते हैं। एक पारंपरिक सत्य महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, प्राथमिक गणित सीखना आवश्यक है, लेकिन यह आपको आयाम नहीं देता है। यह कोई रहस्य नहीं है। हमारे विरोधाभासी प्रश्न को याद रखें। क्या आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण सत्य जानते हैं जिससे बहुत कम लोग सहमत हों? यदि हम पहले से ही जिसमें हम रहते हैं उस प्राकृतिक दुनिया को समझते, पहले से ही इसमें विद्यमान पारंपरिक विचारों को समझ चुके होते, और यदि यह सब कुछ पहले ही हो चुका होता, तो यहां कोई अच्छा जवाब नहीं होता। अगर दुनिया में भविष्य के रहस्य मौजूद न होते, तो हमारे विरोधाभासी विचारों के कोई मायने नहीं होते। बेशक ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाई, लेकिन उनमें से शायद कुछ चीजों को समझना असंभव हो सकता है, जिन्हें हम रहस्यों के रहस्य कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रिंग सिद्धांत ब्रह्मांड की भौतिकी का वर्णन करता है। स्ट्रिंग नामक यह आयामी वस्तु को हिलाने के मामले में है। क्या स्ट्रिंग सिद्धांत सत्य है? आप वास्तव में इसका परीक्षण करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत कम लोग, यदि कोई हो तो, कभी भी इसके सभी प्रभावों को हो सकता है समझ सके। क्या यह मुश्किल है या यह एक असंभव रहस्य है? अंतर मायने रखता है। आप मुश्किल चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन असंभव को नहीं। हमारे विरोधाभासी प्रश्न के व्यावसायिक संस्करण को याद करें। कोई मूल्यवान कंपनी कोई इमारत क्यों नहीं बना रही है? हर सही उत्तर एक जरूरी रहस्य है। कुछ महत्वपूर्ण है और कुछ अज्ञात। कुछ करना मुश्किल है, लेकिन करने योग्य भी है। अगर दुनिया में कोई रहस्य शेष है, तो शायद कई विश्वव्यापी कंपनियां शुरू होने वाली है। यह अध्याय आपको रहस्यों के बारे में सोचने और उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करेगा। लोग रहस्यों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अधिकांश लोग ऐसे व्यवहार करते हैं मानो खोजने के लिए कोई रहस्य ही नहीं बचा है। इस विचार का एक चरम प्रतिनिधि टेड कांसिस की है, जिसे कुख्यात रूप से अनाबोम्बर कहा जाता है। कांसिस्की ने हार्वर्ड में 16 वर्ष की उम्र में दाखिला लिया। वह गणित में पीएचडी करने के लिए चला गया और यूसी बर्कले में प्रोफेसर बन गया। उसने 17 साल की उम्र में ही प्रोफेसरों, तकनीशियनों और व्यापारियों के खिलाफ पाइप बमों के द्वारा एक आतंकवादी अभियान छेड़ा हुआ था। 1995 के उत्तरार्ध तक अधिकारियों को पता नहीं था कि अनाबोम्बर कौन था या कहाँ था। इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब उसने 35,000 शब्दों का घोषणा पत्र लिखा और गुमनाम रूप से प्रेस को मेल किया था। एफबीआई ने उम्मीद करते हुए इसे प्रकाशित करने के लिए कुछ प्रमुख समाचार पत्रों से इसे छापने के लिए कहा। यह काम कर गया। कांसिस्की के भाई ने उसकी लिखने की शैली को पहचान लिया और उसे बदल दिया। आप उम्मीद कर सकते हैं कि लेखन शैली ने पागलपन के स्पष्ट संकेत दिखाए हैं, लेकिन घोषणा पत्र बेहद कमजोर था। कांसिस्की ने दावा किया कि खुशी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लक्ष्यों की आवश्यकता होती है जिनके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, और कम से कम अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होने की आवश्यकता होती है। उसने मानव लक्ष्यों को 3 समूह में विभाजित किया। पहला लक्ष्य, जो न्यूनतम प्रयास से पूर्ण हो सकते हैं। दूसरा लक्ष्य, जो गंभीर प्रयास से पूर्ण हो सकते हैं, तथा तीसरा लक्ष्य, जो पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना प्रयास करता है। यह आसान, कठिन और असंभव की आत्मचेतना है। कांसिस्की ने तर्क दिया कि आधुनिक लोग उदास इसलिए हैं क्योंकि पूरी दुनिया की कठोर समस्याएं हल हो चुकी हैं। आसान या असंभव, इसमें से क्या करना बाकी है? और इन कार्यों का पीछा करना बेहद असंतोषजनक है। आप क्या कर सकते हैं? यहां तक कि जिसे बच्चा भी कर सकता है, आप क्या नहीं कर सकते? यहां तक कि जिसे आइंस्टीन भी नहीं कर सकता। कांसिस्की का विचार मौजूदा संस्थानों को नष्ट करना, सभी तकनीकों से छुटकारा पाने
और लोगों को शुरू करने और कड़ी समस्याओं पर काम करने देना था। कांसिस्की के तरीके क्रेजी थे, लेकिन तकनीक में अविश्वास की हानि हमारे चारों तरफ है। शहरी कल्चर के चिन्हों के खुलेपन पर विचार करें। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, हैडल बार मूछे और विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर आदि के समय में वापस पहुंच जाते समय, अगर लोग भविष्य के बारे में आशावादी न होते, यदि करने योग्य सब कुछ हो चुका हो, तो आपको इन उपलब्धियों के लिए जलन महसूस हो सकती है। केवल आतंकवादी और हिपस्टर ही नहीं, बल्कि सभी कट्टरपंथी भी इसी तरह सोचते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक कट्टरपंथ कठिन प्रश्नों के लिए मध्यम मार्ग की अनुमति नहीं देता। इसमें कुछ ऐसे आसान सत्य हैं जिनसे बच्चों के चकित होने की उम्मीद है, जैसे भगवान के रहस्य हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, सत्य कठोर है लेकिन पाखंडी झूठ बोलते हैं। पर्यावरणवाद के आधुनिक धर्म में आसान सत्य यह है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा प्रकृति मां सर्वश्रेष्ठ है और इसके सवाल भी नहीं है। निस्वार्थ भाव से सभी इसकी पूजा करते हैं। चीजों का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है, यहां तक कि एक बच्चा भी स्टॉक प्राइस देख सकता है, लेकिन क्या वह उन कीमतों को समझ सकता है? बाजार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारा समाज इस पर इतना विश्वास क्यों करता है कि अब कोई रहस्य बचा ही नहीं है? हम भूगोल के बारे में कह सकते हैं कि मानचित्र पर अब कोई स्थान रिक्त नहीं बचा है। यदि आप 18वीं शताब्दी में बड़े हुए होते तो वहां पर अभी भी खाली स्थान होते। विदेशी साहसिक यात्राओं की कहानियों को सुनने के बाद आप स्वयं एक खोजकर्ता बन सकते थे। यह शायद 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में सच था। इसके बाद नेशनल ज्योग्राफी की फोटोग्राफी ने हर पश्चिमी को दिखाया कि पृथ्वी पर सबसे अधिक विदेशी स्वतंत्र स्थान भी हैं। आज खोजकर्ता ज्यादातर इतिहास की किताबों और बच्चों की कहानियों में पाए जाते हैं। माता पिता उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे समुद्री डाकू या सुल्तान बनने की बजाय खोजकर्ता बने। शायद आज भी दर्जनों जनजातियां अमेजन के गहरे जंगलों में निवास करती है, और हम जानते हैं कि महासागरों की गहराई में एक आखिरी सांसारिक सीमा भी है, लेकिन अज्ञात पहले से कम आसान लगता है। प्राकृतिक तथ्य के साथ साथ भौतिक सीमाएं घट गई है। चार सामाजिक रुझानों ने रहस्यों में विश्वास को खत्म करने की साजिश रची है। सबसे पहले वृहदशीलनता यानी इंक्रीमेंटलिज्म है। शुरुआती उम्र से ही हमें सिखाया जाता है कि चीजों को करने का सही तरीका एक छोटा कदम दर कदम आगे बढ़ना है। यदि आप परीक्षा में शामिल ही नहीं होते हैं तो आपको कुछ सीखने और पूरा करने पर कोई क्रेडिट या प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत यह सब करने पर आपको ए ग्रेड मिल जाए तब क्या होगा? यह प्रक्रिया कक्षा दर कक्षा चलती जाती है। यही कारण है कि आमतौर पर प्रकाशक आपका पीछा करते हैं और नई अकादमिक सीमाओं को छूने के बजाय उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। दूसरा जोखिम घृणा है। लोग रहस्यों से डरते हैं क्योंकि वे गलत होने से डरते हैं। परिभाषा के अनुसार रहस्य की पुष्टि मुख्य धारा के द्वारा नहीं की गई है। यदि आपके जीवन का लक्ष्य कभी कोई गलती नहीं करना है तो आपको रहस्यों की तलाश नहीं करनी चाहिए। सब कुछ सही करना मतलब अकेले रहना और किसी का विश्वास नहीं करना पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगा। अकेले और गलत होने की संभावना असहनीय हो सकती है। तीसरा प्रसन्नता है। सामाजिक अभिजात वर्ग की सबसे स्वतंत्र और नई सोच का पता लगाने की क्षमता है कि वे कम से कम रहस्यों में विश्वास करते हैं। यदि आप पहले से ही किए गए सब कुछ पर विश्वास कर सकते हैं तो एक नया रहस्य क्यों खोजा जाए? प्रत्येक गिरावट के समय में शीर्ष कानून, विद्यालयों और बिजनेस स्कूलों में डीन आने वाले वर्ग का स्वागत करते हैं। उसी निहित संदेश के साथ आप स्कूलिन संस्थान में शामिल हुए हैं। आपकी चिंताएं खत्म हो गई है, आप जीवन के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद यह ऐसी चीज है जो केवल तभी सच है
जब आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं। चौथा, समतलता यानी फ्लैटनेस है। वैश्वीकरण की प्रगति के रूप में लोग दुनिया को एक सजातीय अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार के रूप में देखते हैं। दुनिया सपाट है। इस धारणा को देखते हुए जो कोई भी गुप्त की तलाश करने की महत्वाकांक्षा रखता है वह पहले खुद से पूछेगा, अगर कुछ नया खोजना संभव था तो क्या स्मार्ट और अधिक रचनात्मक लोगों में से कोई भी इसे पहले क्यों नहीं खोज सका। संदेह की यह आवाज लोगों को ऐसी दुनिया में रहस्यों की तलाश शुरू करने से भी रोक सकती है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ अद्वितीय योगदान करने की बहुत बड़ी जगह हो सकती है। इन प्रवृत्तियों के परिणाम का वर्णन करने का एक आशावादी तरीका है। आज आप एक पंथ शुरू नहीं कर सकते हैं। 40 साल पहले लोग इस विचार के लिए अधिक जागरूक थे कि सभी ज्ञान व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी से हरे कृष्णा तक बड़ी संख्या में लोगों ने सोचा कि वे कुछ प्रबुद्ध नौकरशाओं में शामिल हो सकते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाएंगे। बहुत कम लोग आज अपारंपरिक विचारों को गंभीरता से लेते हैं जिन्हें मुख्य धारा में प्रगति के संकेत के रूप में देखा जाता है। हमें खुशी होती है कि अब कम ही क्रेजी समुदाय बचे हैं, फिर भी लाभ बहुत हुआ है। हमने खोजे जाने वाले रहस्यों पर आश्चर्य की भावना छोड़ दी है। संवैधानिक दुनिया, यदि आप रहस्यों में विश्वास नहीं करते हैं तो आपको दुनिया कैसी देखनी चाहिए? आपको विश्वास करना होगा कि हमने पहले से ही सभी महान प्रश्न हल कर लिए हैं। यदि सब सही है तो हम और आत्मनिर्भर होने का जोखिम उठा सकते हैं। दुनिया में भगवान के स्वर्ग जैसा सब कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए, रहस्यों के बिना दुनिया न्याय की एक पूर्ण समझ का आनंद लेंगी। प्रत्येक आनंद में एक नैतिक सत्य शामिल होता है जो बहुत कम लोगों के द्वारा जल्दी से पहचाना जाता है। एक लोकतांत्रिक समाज में एक गलत अभ्यास तब तक जारी रहता है जब तक अधिकांश लोग इसे अन्यायपूर्ण नहीं मानते। सबसे पहले उन्मूलनवादियों के केवल एक छोटे से समूह को पता था कि गुलामी एक बुराई थी। आज यह विचार सही रूप में पारंपरिक बन गया है, लेकिन यह 19वीं सदी की शुरुआत में एक रहस्य था। यह कहने के लिए कि आज कोई रहस्य नहीं छोड़ा गया है, इसका मतलब यह होगा कि हम समाज में रहते हैं जिसमें कोई छिपा हुआ अन्याय नहीं है। अर्थशास्त्र में रहस्यों में अविश्वास कुशल बाजारों में विश्वास की ओर ले जाता है, लेकिन वित्तीय बुलबुले के अस्तित्व से पता चलता है कि बाजारों में असाधारण अक्षमता हो सकती है। जब अधिक लोग दक्षता में विश्वास करते हैं तब बड़े बुलबुले प्राप्त होते हैं। 1999 में कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था कि इंटरनेट तर्कहीन रूप से इससे अधिक था। 2005 में प्रॉपर्टी बाजार के बारे में भी यही सच था। फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन को स्थानीय बाजारों में असमानता के संकेत को स्वीकार करना था, लेकिन उन्होंने कहा कि देश के लिए घर की कीमतों में एक भी बुलबुला दिखाई नहीं देता है। बाजार परिलक्षित होता है, जानकार जानकारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिर घरों की कीमतें देश भर में गिर गई और 2008 के वित्तीय संकट ने ट्रिलियन डॉलर को मिटा दिया। भविष्य में कई रहस्यों का अस्तित्व सामने आएगा। अर्थशास्त्री उन्हें अनदेखा करके आसानी से गायब नहीं कर पाएंगे। क्या होता है जब कोई कंपनी रहस्यों पर विश्वास करना बंद कर देती है? हेवलेट पैकार्ड की उदासीन गिरावट एक चेतावनी कहानी बताती है। 1990 में कंपनी 9 बिलियन डॉलर की थी। फिर आविष्कार का एक दशक आया। 1991 में एचपी ने दुनिया का पहला किफायती कलर प्रिंटर डेस्क जेट 500C जारी किया। 1993 में उसने ओमनी बुक लॉन्च किया जो पहले शानदार लैपटॉप में से एक था। अगले वर्ष एचपी ने ऑफिस जेट जारी किया जो दुनिया का पहला ऑल इन वन प्रिंटर फैक्स कॉपियर था। इस निरंतर उत्पाद विस्तार से साल 2000 के मध्य तक एचपी 135 बिलियन डॉलर की हो गई थी।
लेकिन 1999 के अंत में जब एचपी ने अनिवार्य रूप से एक नया ब्रांडिंग अभियान पेश किया तो उसने चीजों को खोजना बंद कर दिया। 2001 में कंपनी ने एचपी सेवा एक गौरवशाली परामर्श और शॉप लॉन्च की। 2002 में एचपी का कॉम्पैक के साथ विलय हो गया, संभवतः क्योंकि यह नहीं पता था कि और क्या करना है। 2005 तक कंपनी की मार्केट कैप $70 बिलियन हो गई थी, जो उसकी सिर्फ 5 साल पहले ही थी। एचपी का बोर्ड असफलता का सूक्ष्मदर्शी था। यह 2 गुटों में विभाजित था, जिनमें से केवल एक नई तकनीक के बारे में परवाह करता था। उस गुट का नेतृत्व टॉम पार्किस ने किया था, जो कि एक इंजीनियर था। वह पहली बार 1963 में एचपी में बिल हेवलेट और डेव पैकर्ट के व्यक्तिगत अनुरोध पर कंपनी के शोध विभाग को चलाने के लिए आया था। 2005 में 73 साल की उम्र में पर्किंस आशावाद की अपनी पिछली उम्र के साथ समय यात्रा करने वाले विजिटर भी हो सकते थे। उन्होंने सोचा कि बोर्ड को सबसे आशाजनक नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करनी चाहिए और फिर एचपी को उन्हें बनाना चाहिए, लेकिन पर्किंस के गुट के प्रतिद्वंदी पेट्रिशिया डून के नेतृत्व में अपने प्रतिद्वंदी के लिए हार गया। व्यापार द्वारा बैंकर डून ने तर्क दिया कि भविष्य की तकनीक के लिए योजना तैयार करना बोर्ड की योग्यता से परे था। उसने सोचा कि बोर्ड को पहरेदार की तरह अपनी भूमिका निभानी चाहिए और उसे देखना चाहिए कि क्या अकाउंट विभाग में सब कुछ ठीक था, क्या लोग सभी नियमों का पालन करते थे। इसी दौरान बोर्ड के किसी घुसपैठिए ने प्रेस को जानकारी लीक करना शुरू कर दिया। जब यह खुलासा हुआ कि डून ने स्रोत की पहचान करने के लिए अवैध वायर टेप्स की एक श्रृंखला की व्यवस्था की, तो विरोध पिछले असंतोष से बदतर था और बोर्ड अपमानित हुआ था। तकनीकी रहस्यों की तलाश छोड़ एचपी में गपशप जोरों पर थी। नतीजन 2012 के अंत तक एचपी सिर्फ 23 बिलियन की रह गई। 1990 की मुद्रास्फीति की तुलना में यह अपने निचले स्तर पर थी। सीक्रेट्स का मामला आप खोजे बिना रहस्य नहीं पा सकते हैं। एंड्रयू विल्स ने इसका प्रदर्शन जब किया तब उन्होंने अन्य गणितज्ञों द्वारा 358 वर्षों की निष्पक्ष जांच के बाद फर्मेट के अंतिम प्रमेय को साबित किया, जो कि निरंतर विफलता के असंभव कार्यों ने इसे करने की जिद को और बड़ी की हो। पियरे डे फर्मेट ने 1637 में अनुमान लगाया कि किसी भी पूर्णांक ए बी और सी समीकरण को जमा 2 से अधिक पूर्णांक के लिए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसके सबूत होने का दावा किया, लेकिन वो इसे लिखने के बिना ही गुजर गए, इसलिए उनका अनुमान लंबे समय तक गणित में एक बड़ी अनसुलझी समस्या बनी रही। विल्स ने 1986 में इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन 1993 तक उन्होंने इसे गुप्त रखा। 9 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद विल्स ने 1995 में अनुमान लगाया कि वह समाधान के करीब था। उन्हें सफल होने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें रहस्यों में विश्वास की भी आवश्यकता थी। अगर आपको लगता है कि कुछ असंभव है तो आप इसे हासिल करने की कोशिश भी शुरू नहीं करेंगे। रहस्यों में विश्वास एक प्रभावी सत्य है। वास्तविक सत्य यह है कि विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सभी प्रकार की तकनीक में खोजने के लिए कई और रहस्य बाकी है, लेकिन वे केवल निरंतर खोजकर्ताओं को ही मिलेंगे। हम आज के पारंपरिक विषयों के निर्धारित मामूली लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए हैं, बल्कि महत्वाकांक्षाएं इतनी है कि वैज्ञानिक क्रांति के सबसे साहसी दिमाग भी उन्हें सीधा घोषित करने से ही चकते हैं। हम कैंसर, डिमेंशिया और उम्र की पाचन संबंधी सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हम जीवाश्म ईंधन पर संघर्ष से दुनिया को मुक्त करने वाली ऊर्जा उत्पन्न करने के नए तरीकों को खोज सकते हैं। हम पृथ्वी की सतह पर और आसमान में चलने के लिए तेजी से तरीकों का आविष्कार कर सकते हैं। हम यह भी सीख सकते हैं कि इसे कैसे पूरी तरह से बचाएं
और नई सीमाओं को कैसे व्यवस्थित करें, लेकिन हम उन रहस्यों को कभी नहीं सीखेंगे जब तक कि हम उन्हें जानने और खुद को देखने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। व्यापार के बारे में भी यही सच है। महान कंपनियों को दुनिया के काम के बारे में खुले लेकिन अप्रत्याशित रहस्यों पर बनाया जा सकता है। सिलिकॉन वैली स्टार्टअप पर विचार करें, जिसने हमारे चारों ओर की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। एयरवेव से पहले यात्रियों के पास होटल के कमरे के लिए उच्च कीमतों का भुगतान करने के अलावा बहुत कम विकल्प था, और संपत्ति मालिक आसानी से और विश्वसनीय रूप से अपनी अपर्याप्त जगह किराए पर नहीं दे सके। एयरवेव ने अप्रत्याशित आपूर्ति और अप्रत्याशित मांग देखी, जहां अन्यों ने कुछ भी नहीं देखा। निजी कार सेवाओं, LYFT और उबर के बारे में भी यही सच है। कुछ लोगों ने कल्पना की कि उन लोगों को आसानी से जोड़कर अरबों डॉलर का व्यवसाय बनाना संभव है, जो वहां उन्हें चलाने के इच्छुक लोगों के साथ जाना चाहते हैं। हमारे पास पहले से ही राज्य लाइसेंस प्राप्त टैक्सी का और निजी लिमोजिन थे। केवल विश्वास और रहस्यों की तलाश करके आप समुदाय से परे सादे दृष्टि में छिपे अवसर देख सकते हैं। यही कारण है कि फेसबुक सहित कई इंटरनेट कंपनियों को अक्सर कम करके आंका जाता है। उनकी सादगी रहस्यों के लिए खुद ही तर्क है। यदि पूर्व निरीक्षण में इतनी प्राथमिकता वाली अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण और मूल्यवान व्यवसायों का समर्थन करती है, तो अभी भी कई महान कंपनियों को शुरू करना होगा। सीक्रेट कैसे खोजें? दो प्रकार के रहस्य हैं, प्रकृति के रहस्य और लोगों के बारे में रहस्य। प्राकृतिक रहस्य हमारे चारों ओर मौजूद हैं। उन्हें खोजने के लिए भौतिक दुनिया के कुछ अनदेखे पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए। लोगों के बारे में रहस्य अलग अलग है। वे ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग खुद के बारे में नहीं जानते हैं, या वे छिपाते हैं क्योंकि वे दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं। जब हम इस बारे में सोचते हैं कि किस तरह की कंपनी बनाना है, तो पूछने के लिए दो अलग अलग प्रश्न है। प्रकृति आपको क्या रहस्य नहीं बता रही है? लोग आपको क्या रहस्य नहीं बता रहे हैं? यह मानना आसान है कि प्राकृतिक रहस्य सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग उनकी तलाश करते हैं, वे आधिकारिक रूप से भयभीत लग सकते हैं। यही कारण है कि भौतिकी PhD के साथ काम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वे सबसे मौलिक सत्य जानते हैं। उन्हें लगता है कि वे सभी सच्चाइयों को जानते हैं, लेकिन क्या विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत को स्वचालित रूप से समझना आपको एक महान विवाह सलाहकार बनाता है? क्या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतवादी आपके व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी देता है? पेपाल में मैंने एक बार एक भौतिकी PhD इंजीनियर का साक्षात्कार लिया। मेरा पहला सवाल पूरा होने से पहले ही वह चिल्लाया, रुको, मुझे पहले से ही पता है कि आप क्या पूछने जा रहे हैं। लेकिन वह गलत था। यह अब तक का सबसे आसान बेमतलब का निर्णय था। लोगों के बारे में रहस्य अपेक्षाकृत कमजोर है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको उन प्रश्नों को पूछने के लिए दर्जनों उच्च डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है जो उन्हें उजागर करते हैं। लोगों को किस बारे में बात करने की अनुमति नहीं है, वर्जित क्या है? कभी कभी प्राकृतिक रहस्यों की तलाश और मानव रहस्यों की तलाश में एक समान सच्चाई होती है। फिर मोनोपोली रहस्य पर विचार करें। प्रतिस्पर्धा और पूंजीवाद एक दूसरे के विरुद्ध हैं। यदि आप इसे पहले से ही नहीं जानते, तो आप इसे प्राकृतिक अनुभवजन्य तरीके से खोज सकते हैं। कॉरपोरेट लाभ का मात्रात्मक अध्ययन करें और आप देखेंगे कि वे प्रतिस्पर्धा से समाप्त हो गए हैं। लेकिन आप मानव दृष्टिकोण भी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं, लोग कंपनियों के बारे में क्या नहीं कहते हैं। आप देखेंगे कि एकाधिकारवादी जांच से बचने के लिए अपनी एकाधिकार स्थिति को कम करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी फर्म रणनीतिक रूप से अपनी विशिष्टता को अतिरंजित करती है। फर्मों के बीच अंतर केवल सतह पर छोटे लगते हैं, वास्तव में वे बहुत बड़े हैं। रहस्यों को देखने के लिए
सबसे अच्छी जगह है जहां उन्हें कोई और नहीं देख रहा हो। ज्यादातर लोग केवल उसी के संदर्भ में सोचते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। स्कूली शिक्षा का लक्ष्य पारंपरिक ज्ञान प्रदान करना है। आप पूछ सकते हैं कि क्या कोई क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण है, जिसे मानकीकृत और संस्थागत नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, भौतिकी सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में एक वास्तविक प्रमुख विषय है और यह अपने ही तरीकों से तय है। भौतिकी के विपरीत ज्योतिष हो सकता है, लेकिन ज्योतिष में कोई फर्क नहीं पड़ता। पोषण के बारे में क्या? सभी के लिए पोषण महत्वपूर्ण है, लेकिन आप हार्वर्ड में इसे मुख्य विषय के तौर पर नहीं ले सकते। अधिकांश शीर्ष वैज्ञानिक अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। अधिकांश बड़े अध्ययन 30 या 40 साल पहले किए गए थे और अधिकांश गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है। खाद्य पिरामिड, जिसने हमें कम वसा और भारी मात्रा में अनाज खाने के लिए कहा था, शायद वास्तविक विज्ञान की तुलना में बिग फूड द्वारा लॉबिंग का एक उत्पाद था। इसका मुख्य प्रभाव हमारी मोटापा महामारी को बढ़ाना है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम मानव पोषण के बारे में जानते हुए दूर दराज के सितारों के भौतिकी के बारे में और जान सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव नहीं है। बिल्कुल उस तरह का क्षेत्र है जो रहस्य पैदा कर सकता है। सीक्रेट्स के साथ क्या करें? अगर आपको कोई रहस्य मिलता है तो आपको एक विकल्प का सामना करना पड़ता है। क्या आप किसी को बताते हैं या आप इसे अपने पास ही रखते हैं? यह रहस्य पर निर्भर करता है। कुछ लोगों की तुलना में अधिक खतरनाक है, जैसे फाउस्ट वांगर बताते हैं। कुछ जो जानते थे कि क्या सीखा जा सकता है, शो पर अपना पूरा दिल लगाने के लिए पर्याप्त मूर्ख, और जिन्होंने भावनाओं को भीड़ के सामने प्रकट किया, मानव जाति ने हमेशा उसे क्रूस पर चढ़ाया और जला दिया। जब तक कि आपके पास पूरी तरह से पारंपरिक मान्यताएं न हो, तब तक सब कुछ बताने का शायद ही कभी एक अच्छा विचार है। तो आप किसे बताते हैं जो आपको चाहिए? वो नहीं है। व्यवहारिक रूप से किसी को भी बताने और हर किसी को बताने के बीच हमेशा एक सुनहरा मतलब होता है, और वह भी एक कंपनी के बारे में। सबसे अच्छे उद्यमियों को यह पता है, हर महान व्यवसायी एक रहस्य के आसपास बनाया गया है जो बाहर से छिपा हुआ है। एक महान कंपनी दुनिया को बदलने की एक जाल की तरह है। जब आप अपना रहस्य साझा करते हैं तो सुनने वाला एक चालसाज बन जाता है। जैसा कि टॉकियन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में लिखा था, सड़क शुरू होने पर दरवाजे के नीचे की ओर चली जाती है। जीवन एक लंबी यात्रा है। पिछले यात्रियों के चरणों से चिन्हित सड़क की दृष्टि में कोई अंत नहीं है, लेकिन बाद में कहानी में एक और कविता प्रकट होती है। अभी भी कोने में और इंतजार कर सकते हैं, एक नई सड़क या एक गुप्त द्वार की, और हालांकि हम उसे आज तक पार नहीं कर पाए, कल हम इस तरह से आ सकते हैं और चलने के लिए छिपे रास्ते ढूंढ लें जो चंद्रमा या सूर्य से परे हो। सड़क अनंत नहीं है, छिपे हुए रास्ते अपना लो। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 9 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 9, नीम। hindiaudiobook.com। हर महान कंपनी अद्वितीय है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रत्येक व्यवसाय के शुरुआत में सही होनी चाहिए। मैं इस पर इतनी बार जोर देता हूं कि मेरे दोस्तों ने चिढ़कर इसे थील का कानून उपनाम दिया है। इसकी नींव पर बना स्टार्टअप गड़बड़ा नहीं सकता। शुरुआत खास है, वे बाद में आने वाले सभी के गुणात्मक रूप से अलग है। यह 13.8 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड की स्थापना में सच था। अपने अस्तित्व की शुरुआती माइक्रोसेकेंड में ब्रह्मांड 10 की घात 30 10 लाख ट्रिलियन के कारक द्वारा विस्तारित था। जैसे जैसे ब्रह्मांड युग आए और वे कुछ ही क्षणों में चले गए, तब के भौतिकी के बहुत से नियम आज से भिन्न थे। 227 साल पहले
अमेरिका की स्थापना में भी यह सच था। संवैधानिक सम्मेलन में संस्थापकों द्वारा कुछ महीनों के दौरान एकत्र किए गए मौलिक प्रश्न बहस के लिए खुले थे। केंद्र सरकार के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए, केंद्र में प्रतिनिधित्व कैसे किया जाना चाहिए, समझौते पर जो कुछ भी आपके विचार फिलाडेल्फिया में गर्मियों में पहुंचे उन्हें तब से बदलना मुश्किल हो गया है। 1791 में बिल ऑफ राइट्स की मंजूरी मिलने के बाद हमने संविधान में केवल 17 बार संशोधन किया है। आज कैलिफोर्निया का सीनेट में अलास्का के समान प्रतिनिधित्व है, भले ही यह 50 गुना अधिक आबादी वाला हो गया है। शायद यह एक सुविधा है, एक त्रुटि नहीं, लेकिन जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका मौजूद है तब तक हम शायद इसके साथ बंध गए हैं। एक और संवैधानिक सम्मेलन असंभव है। आज हम केवल छोटे प्रश्नों पर बहस कर सकते हैं। कंपनियां इस तरह के देशों की तरह है, खराब निर्णय या जैसे जैसे आप गलत साझेदार चुनते हैं या गलत लोगों को नौकरी पर लेते हैं, उदाहरण के लिए, उनके द्वारा गलत किए जाने के बाद सही करना बहुत कठिन होता है। इससे पहले कि कोई भी उन्हें सही करने की कोशिश करेगा, दिवालिया होने के आसार हो सकते हैं। एक संस्थापक के रूप में आपका पहला काम पहली चीजों को सही तरीके से करना है, क्योंकि आप एक दोषपूर्ण नींव पर एक महान कंपनी नहीं बना सकते। संस्थापकों का चुनाव। जब आप कुछ शुरू करते हैं तो पहला सवाल यह होता है कि आपके द्वारा किए जाने वाले पहले और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को किसके साथ शुरू करना चाहिए। एक सहज संस्थापक का चयन करना शादी करने जैसा ही होता है, और संस्थापक संघर्ष आखिर तलाक के रूप में बाद में बहुत बदसूरत दिखता है। हर रिश्ते की शुरुआत में आशावाद बहुत अधिक होता है। क्या गलत हो सकता है इस बारे में सोचने के लिए यह अनौपचारिक होता है, इसलिए लोग इसे नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर संस्थापक असहनीय मतभेद विकसित करते हैं तो कंपनी पीड़ित बन जाती है। 1999 में ल्यूक नोसेक पेपाल में मेरे सह संस्थापकों में से एक थे, और मैं आज भी उनके साथ संस्थापक निधि में काम करता हूं। लेकिन पेपाल से एक साल पहले मैंने एक कंपनी ल्यूक में निवेश किया था जो किसी और के साथ शुरू हुई थी। यह उनका पहला स्टार्टअप था, यह मेरे पहले निवेश में से एक था। हम में से किसी ने भी इसे महसूस नहीं किया, लेकिन उद्यम शुरुआत से असफल होने के साथ बर्बाद हो गया, क्योंकि ल्यूक और उसके सह संस्थापक एक भयानक मैच खेल रहे थे। ल्यूक एक शानदार और सनकी विचारक है। उनका सह संस्थापक एक MBA था जो 90 के दशक की सोने की दौड़ में चूकना नहीं चाहता था। वे एक नेटवर्क कार्यक्रम में मिले